بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. NFTs टॉपिक KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो बेटा ये पहले बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि मैं पढ़ूं लेक्चर दूं या ना दूं, मैंने तो प्रिपरेशन किया हुआ है, मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने ये ऐसे लेक्चर यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, क्वेश्चंस ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं, ये आपकी प्रिपरेशन पे ना फुल स्टॉप लगाएगा। यानी आपने अगर कोई पॉइंट मिस भी किया है, पूरा एनसीईआरटी डिकोड मैंने किया है, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आपके जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल होती है वो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वहाँ उनकी नज़र में नहीं आते, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते जो उन किताबों पर नहीं होते। तो मैंने पूरा ये एनसीईआरटी डिकोड किया हुआ है A to Z, यहाँ पर हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो जो सबको पता होती है, बेसिक से पॉइंट्स, वो मैंने डिस्कस यहाँ पे नहीं किए हैं, सिर्फ वो पॉइंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जिसने पूरा डिटेल में किया हुआ हो, तो मैंने इसके लिए चार सवाल पहले ही दे रहा हूँ मैं। आप ये चार सवाल देखिए, टेक स्क्रीन शॉट्स, इनको 2-3 मिनट आप इन सवालों को देखिए। अगर आपको लगता है कि ये सवाल आपको आते हैं या आपने इन सवालों को सॉल्व किया हुआ है, तो फिर बेटा आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की हुई है, फिर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है ना। पर अगर आपको ये सवाल नहीं आते हैं या आपकी नज़र में ये सवाल ऐसे नहीं आए, फिर ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से, ठीक है ना, अल्लाह की मदद से सारे क्वेश्चन जो भी एग्जामिनर बना सकता है वो यहीं से आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। पूरा जितने भी सवाल, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे यहीं से आएंगे। तो मैं चार क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, टेक स्क्रीनशॉट्स, टेक योर टाइम 1 or 2 मिनट्स, फिर आप जज कर सकते हो कि आपको ये लेक्चर देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो देखिए ये आ गया बेटा पहला स्लाइड, इस पे 2 सवाल आप देख सकते हो, टेक स्क्रीनशॉट्स और आराम से देखिए। और ये अब अगले और 2 सवाल में दे रहा हूं, तो ये 4 सवाल आप देखिए, ठीक है। अगर आपको ये आते हैं फिर लेक्चर आपके लिए नहीं है, अगर नहीं आते बेटा फिर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है, तो यहां पे बेटा मॉलिक्यूलर मोशन से स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स की मोशन से स्टडी करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो वही मैंने यहां पे लिखा है। इतना बेसिक सा पॉइंट है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कैन बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो ये पॉइंट आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहले बेटा मैं यहां पे ना केटीजी के सारे पोस्टलेट डिस्कस करने वाला नहीं हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बेटा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे जो आने वाला है कि जो आप आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स लेने वाले हो, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स लेने वाले हो, वो आप नेग्लिजिबल वॉल्यूम के लेने वाले हो। यानी अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन गैस जो है दैट इज एन आइडियल गैस, तो हाइड्रोजन गैस का हर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो होगा नेग्लिजिबल होगा। और अगर मैं ऑक्सीजन गैस भी आइडियल गैस मानूं तो उसके वॉल्यूम्स या उसके मॉलिक्यूल्स का साइज भी जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। यानी साइज का इफेक्ट नहीं लेते हम कहां पे, आइडियल गैस थ्योरी में। यानी कोई भी आइडियल गैस लो, उसके मॉलिक्यूल्स का साइज जो होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल, पॉइंट मास नेग्लिजिबल वॉल्यूम, राइट। फिर हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हैं हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिफरेंस कैसे करेंगे। ये डिफरेंस जो हम देखेंगे ना बेटा, इट इज ड्यू टू द रिजिडिटी, ठीक है ना, रिजिडिटी। तो यहां पे आप देखिए, तो यही पॉइंट मैंने आपने लिखा यहां पे, ठीक है ना। इफ हाइड्रोजन गैस इज आइडियल, अगर हाइड्रोजन गैस आइडियल है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर पॉइंट मास नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ठीक है ना। और अगर मैं ऑक्सीजन गैस भी लूं तो उसके मॉलिक्यूल्स भी बेटा क्या ही, अगर मैं वो आइडियल गैस लूं, पॉइंट मास नेग्लिजिबल वॉल्यूम, राइट। अब यहां पे बेटा समझना मेरी बात को, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, यहां ध्यान दीजिए, तो पहला इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट में ऐड करने जा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को यह पॉइंट क्लियर नहीं होता। तो पहले बेटा वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या होता है, अगर मैं बोलूं गैस का वॉल्यूम, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो होता है ना बेटा, ये वो वॉल्यूम होता है जिसमें आपके गैस मॉलिक्यूल्स जो है दे कैन फ्रीली मूव। तो मॉलिक्यूल्स जितनी स्पेस में फ्रीली मूव कर सकते हैं दैट्स कॉल्ड एज द वॉल्यूम ऑफ द व्हाट, गैस। यानी अगर मैं एक मॉलिक्यूल भी कंटेनर में लूं तो ये पूरे कंटेनर के चक्कर मार सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है ना, समझना मेरी बात को। तो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वॉल्यूम जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर मैं आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की बात करूं, फॉर आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस जो होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकल सवाल भी एग्जामिनर बना सकता है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस जो होता है दैट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर,
क्लियर। बट ओनली आएगा बेटा ये अगर टेम्परेचर जीरो केल्विन से ज्यादा है, यानी ये फॉर्मूला वैलिड है एक्सेप्ट, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा एक्सेप्ट एट टी इज इक्वल टू जीरो केल्विन। जीरो केल्विन टेम्परेचर पे ये वैलिड नहीं है। अब बोलोगे कैसे? जीरो केल्विन पे बेटा क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो सीज हो जाएंगी। तो बेटा आप इतना भी मैं एक्सपेक्ट तो करूंगा ना, थोड़ा बहुत आपको पता होगा राइट। ये उन बच्चों के लिए लेक्चर नहीं है, या मैंने लेक्चर ऐसे नहीं बनाया कि पूरा बेसिक से जाऊं, फिर उन बच्चों को लगेगा जिनने कुछ नहीं पढ़ा उनको लगेगा उनको फायदा मिलेगा, उनको भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, और जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा उसको भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे डिस्कस किए, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत उसको फायदा मिलने वाला है। तो अब अगर मैं बोलूं एट जीरो केल्विन बेटा मॉलिक्यूलर मोशन जो है सीज हो जाती है, रुक जाती है, तो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे तो बेटा वहां पे हम मत बोलेंगे फिर के वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तब आता जब कंटेनर में मॉलिक्यूल्स मूव कर पाते, यहां पे तो मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस जो है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बट एक्सेप्ट टी इज इक्वल टू जीरो केल्विन। बट अगर मैं रियल गैसेज की बात करूं, रियल गैस क्या होता है अभी डिस्कस भी करेंगे, अगर मैं रियल गैसेज की बात करूं वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेज इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी रियल गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे कंटेनर में मूव नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी मैं कुछ देर के बाद ये डिस्कस करूंगा। तो यहां पे बेटा मैंने वही पॉइंट लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है, नोट द वॉल्यूम इन विच द गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द गैस, राइट, द रियल गैसेस, ठीक है ना। यहां फॉर रियल गैसेस द मॉलिक्यूल्स आरंट पॉइंट मास नेग्लिजिबल वॉल्यूम्स। रियल गैस में बेटा हम नहीं लेते हैं क्या ये पॉइंट मास नेग्लिजिबल वॉल्यूम्स, यानी साइज का फर्क, या साइज से फर्क पड़ता है, साइज का इफेक्ट आता है, क्लियर। अब यहां पे बेटा वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो है दैट इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस जो है दैट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बट एक्सेप्ट, ये आगे मैंने लिखा है, बट एक्सेप्ट टी इज इक्वल टू जीरो केल्विन, क्लियर। नाउ ये आपके पास बेटा आ रहा है फॉर वन मोल ऑफ रियल गैस, फॉर वन मोल ऑफ रियल गैस। यहां पे आप देख सकते हो बेटा प्रेशर में करेक्शन टर्म आया ए बाई वी स्क्वायर और वॉल्यूम में भी करेक्शन टर्म आया बी। अब ये बी मुझे एक्सप्लेन कर रहा है, अभी हमने क्या बोला साइज का इफेक्ट नहीं लेना आइडियल गैस में, बट एक्चुअली साइज का इफेक्ट लेना। अब ये बी क्या होता है, अब अगर मैं बेटा यहां पे एक मॉलिक्यूल दिखाऊं, समझना मेरी बात को, चलो मैं स्लाइड ऐड कर देता हूं। अगर मैं एक मॉलिक्यूल दिखाऊं बिकॉज ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज इसके अराउंड और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो बेटा ये जो स्पेस आ रही है ना, ये वाली स्पेस में कोई मॉलिक्यूल फिट नहीं हो सकता, यानी ये वाली मॉलिक्यूल या ये वाली स्पेस जो है कोई मॉलिक्यूल ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। दिस स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल, समझना बेटा मेरी बात को, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अराउंड और मॉलिक्यूल्स है बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आता है रियल गैस में, आइडियल गैस में नहीं आता। तो रियल गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की मदद से या वजह से जो ये मॉलिक्यूल्स के अराउंड होंगे, इनके बीच में जो स्पेस है दैट्स कॉल्ड एज इफेक्टिव स्पेस, ये वाली स्पेस जो है दैट्स कॉल्ड एज इफेक्टिव स्पेस, और ये स्पेस जो है कोई मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। ये स्पेस किसके बराबर होता है, एक मॉलिक्यूल फोर टाइम्स इसके मॉलिक्यूल के बराबर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी अगर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इज 4/3 πr³, तो ये स्पेस जो आएगी दैट इज 4 times 4/3 πr³ वेयर r इज रेडियस ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक है ना बेटा। ये पॉइंट मुझे यहां पे दिखाना था। तो यहां पे आप देखिए बेटा बी क्या है, ये फोर्स या इसको फोर्स नहीं, इट्स फ्री स्पेस या इफेक्टिव स्पेस, फ्री स्पेस में बोलूंगा या इफेक्टिव स्पेस आप बोलिए जो मर्जी, फ्री स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, ठीक है ना, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये बी क्या है, बी इज, अभी आपने देखा कि एक मॉलिक्यूल कितना ऑक्यूपाई करता है बेटा, चार गुना, एक मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है चार गुना ये अपने वॉल्यूम के बराबर स्पेस, और इस स्पेस में कोई भी आपका मॉलिक्यूल फिट नहीं हो सकता। अब ये बी क्या है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अगर आप मोलर क्वांटिटी एक मोल गैस लोगे, एक मोल गैस में इतनी स्पेस कितनी बन सकती है, या टोटल ऐसी स्पेस कितनी बन सकती है, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल के लिए क्या है,
चार गुना उसके वॉल्यूम के बराबर, राइट। अब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ये बी किसके बराबर आएगा, ये तो आएगा फिर बेटा एक मॉलिक्यूल के लिए है 4 × 4/3 πr³। फिर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए कितना आएगा, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, तो वो आपका बी आ जाएगा। तो यहां पे मैंने वो ऐड किया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड बी किसके बराबर, दिस डी इज डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल बेटा कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या जहां कोई भी आपका और मॉलिक्यूल फिट नहीं हो सकता, दैट इज 4 × 4/3 या 4 times वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये केमिस्ट्री में ज्यादातर आपको आता है। तो एक मॉलिक्यूल 4 times अपने वॉल्यूम के बराबर स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें कोई मॉलिक्यूल और फिट नहीं हो सकता। अब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने वैसी कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की होगी जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते, फिर तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से उतरेगा। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में फिर इतनी स्पेस जो होगी इसमें कोई मॉलिक्यूल फिट नहीं होगा फॉर वन वॉल्यूम ऑफ गैस, तो बेटा फिर ये बी क्या लाएगा, इफेक्टिव स्पेस या फ्री स्पेस। दैट इज एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे जिसमें कोई भी आपका मॉलिक्यूल फिट नहीं हो सकता, ठीक है ना, वेर डी इज डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अगर आइडियल गैस होता, आइडियल गैस में अगर होता बेटा डी इज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आइडियल गैस के लिए डी तो आपको अप्रोक्सीमेटली जीरो मानना है, बिकॉज आपने वो मानिए पॉइंट मास नेगलिजिबल वॉल्यूम, पॉइंट मास नेगलिजिबल वॉल्यूम आपने माने वो। यू एज्यूम्ड कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर पॉइंट मास नेगलिजिबल वॉल्यूम, तो बेटा फिर तो बी आइडियल गैस के लिए यहां पे जीरो बनेगा। कैसे जीरो बनेगा, बिकॉज डायमीटर आपको जीरो लेना है, बिकॉज यू आर टेकिंग आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स एज नेगलिजिबल पॉइंट मास मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे डी के बदले जीरो आएगा, फिर बी का वैल्यू जीरो आएगा, फिर बेटा वी के बदले वी माइनस बी, बी के बदले जीरो, यानी वी के बदले वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही आएगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर, ओके। तो यहां पे ये आपका बेटा आ गया बी इज इक्वल टू जीरो फॉर आइडियल गैसेस, ओके। तो ये आपको पता होगा पॉइंट बेटा, जब तक आप कंटेनर चेंज नहीं करोगे तो फॉर आइडियल गैसेस अनलेस कंटेनर इज चेंज्ड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, राइट, ये आपको पता होगा। चलिए अब यहां पे इफ गैस लीक्स मास डिक्रीजेस, अगर आपने कंटेनर में होल कर दिया, गैस लीक हो रहा है, तो बेटा अभी भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है ना, बट मास जो है दैट विल डिक्रीज, ओके। एट टी इज इक्वल टू जीरो केल्विन्स, तो ये मैंने आपको कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया हुआ था ऑलरेडी, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का क्या बन जाएगा, जीरो, दे वोंट मूव। व्हेन दे वोंट मूव बेटा फिर आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स कितनी स्पेस में मूव कर रहे हैं, जीरो स्पेस में, तो फिर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यानी वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू जीरो एंड इट इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एट टी इज इक्वल टू जीरो केल्विन, ये आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एट ऑल द टेंपरेचर्स एक्सेप्ट जीरो केल्विन, बट वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, समझना बेटा मेरी बात को। नाउ वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, वो मैंने बेटा यहां पे ऑलरेडी बोला था आपको, ठीक है ना, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब यहां पे समझना बेटा मेरी बात को, एक और पॉइंट में ऐड करूंगा, जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, जो हम आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, या केमिस्ट्री में आप बोलते हो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, या पी इज इक्वल टू रो आर टी बाय मोलर मास, या पी वी इज इक्वल टू एन के टी, तो ये अलग डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के। ये आइडियल गैस इक्वेशन या ये के टी जी वैलिड कब है, तो अगर बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इज वेरी वेरी स्मॉल एज compared to volume of the container, remember this important point, समझना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, if volume of molecules, ये अलग है, volume of gas अलग है, volume of molecules of the gas अलग है, important point बोलने जा रहा हूं, if volume of molecules of ideal gas, या मैं gas बोल देता हूं, is very very small as compared to volume of the gas, volume of the gas means volume of the container, फिर ये क्या है, volume of molecules of the gas, molecules, समझना बेटा मेरी बात को, point mass negligible volumes आपने माना, तो बताओ 10 molecules का volume कितना है, वो भी तो negligible आएगा, 50 molecules का, वो भी तो negligible आएगा, 1000 molecules का, वो भी तो negligible आएगा, ideal gas theory की बात कर रहा हूं, यानी molecules का मिला के volume, molecules का मिला के volume,
मॉलिक्यूल्स अगर यहां पे बेटा एक दो तीन चार पांच इन सब मॉलिक्यूल्स का मिला के वॉल्यूम दैट शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस. वॉल्यूम ऑफ द गैस मीन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर फॉर आइडियल गैसेस. यानी कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू सब मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मिला के, तब जाके बेटा के टी जी इज वैलिड. देन के टी जी इज वैलिड तब जाके अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन के टी जी इज वैलिड या आइडियल गैस इज इक्वेशन इज वैलिड या आइडियल गैस इक्वेशन जो है इज वैलिड, तब जाके ये वैलिड होगा. अब इसी पे अगर आप चेक करोगे एनसीईआरटी का पहला सवाल इसी प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, बट वो सवाल डायरेक्टली नहीं आएगा, उसने कुछ निकालने के लिए दिया है फ्रैक्शन, वहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू टोटल वॉल्यूम, उसी टाइप से बेटा एक सवाल बन सकता है जो मैंने यहां पर बनाया हुआ है. तो शायद मैंने पहला सवाल आपको कुछ देर पहले यही दिखाया था, चेक करिए कि अगर आपको यह सवाल आता है फिर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है. अब यह सवाल देखो बेटा क्या बोल रहा है, ये लेंथी सवाल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है. आई कैन से इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, आपके पास है 0.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस के आपके पास 0.5 ग्राम्स है, तो मोल्स भी आप निकाल सकते हैं बेटा, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट दैट 0.5 ग्राम्स डिवाइड बाय यहां पे आएगा बेटा, ठीक है, यहां पे आपको दिया गया मास 0.5 ग्राम्स डिवाइड बाय 2, राइट, वो तो आएगा 0.25 मोल्स या 1/4 आएगा, तो आप निकाल सकते हैं. इन ए क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज इनिशियली एट एनटीपी. एनटीपी बोले एग्जामिनर या आपका एसटीपी बोले, न्यूमेरिकली तो आप दोनों का वैल्यू बेटा सेम ही लेते हो. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों में बेटा आपका प्रेशर जो होता है दैट्स 1 एटमॉस्फियर, राइट. टेम्परेचर में एक 0 डिग्री सेल्सियस एक में 0.01 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, ठीक है ना. तो यहां पे बेटा एसटीपी बोले एग्जामिनर या एनटीपी बोले, न्यूमेरिकल्स में सेम चीजें आपको देखनी है. अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, आपके पास दिया गया नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम दिया गया कंटेनर का, यानी यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया. द गैस इज इन द क्यूब इज कंप्रेस्ड टू अ फाइनल प्रेशर 100 एटमॉस्फियर्स, राइट. आपने इसको कंप्रेस किया, टेम्परेचर बेटा चेंज नहीं किया, टेम्परेचर बेटा वही था जो पहले था, दैट इज 273 केल्विन, बार में भी वही आएगा. यानी यहां पे अगर आपने क्या किया हुआ है, आपने यहां पे प्रेशर बढ़ाया. अगर आप कोई भी इसका सोल्यूशन देखो, उसने पूरा सॉल्व किया है, तो मैं देखूंगा इसको दो लाइन में कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है ना. अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है तो फाइनल वॉल्यूम तो बेटा कम होगा. आप देख सकते हो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला नहीं गया है. यानी अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन बोलूं तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, दो मिनट के लिए बोल रहा हूं. यानी बेटा अगर यहां पे आप चेक करोगे, अगर आपने प्रेशर यहां पे पहले 1 एटमॉस्फेयर था, बाद में 100 एटमॉस्फेयर बना दिया, यानी प्रेशर आपने 100 गुना बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम तो फिर 100 गुना घटेगा, यानी फाइनल वॉल्यूम तो कम आने वाला ही है. फाइनल वॉल्यूम इज गोइंग टू बी लेस. तो अब अगर मैं देखूं कि इनिशियल सिचुएशन में अगर आइडियल गैस वैलिड है, ठीक है ना, फिर फाइनल में भी देखना पड़ेगा. बट अगर इनिशियल स्टेट में आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड नहीं आया, कैसे नहीं आया, यहां पे ध्यान दो. तो पहले मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल का रेडियस दिया गया, पहले मुझे बताओ बेटा मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, पहले बताओ मेरे पास कितने मोल्स हैं, बताओ. तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आएगा मास डिवाइड बाय मोलर मास, मास इज 0.5 ग्राम्स, तो मोलर मास इज 2, तो ये आप चेक कर सकते दैट इज 0.5 बाय 2 दैट्स 1/4, या 0.25 आएगा, 1/4 में लिख सकता हूं, या 0.25 आई कैन राइट. तो ये आपका आ गया बेटा नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप निकाल सकते हो, तो बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके बदले आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रोस नंबर यहां पे जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएगा. तो ये मेरे पास इतने मोल्स हैं. तो पहले मुझे बताओ बेटा मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो इसके बदले में आई कैन राइट एन डिवाइडेड बाई एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर दैट इज 1/4, तो एन बराबर आएगा एन ए एवोगाड्रोस नंबर डिवाइड बाई 4, यानी 1/4 ऑफ एवोगाड्रोस नंबर आई हैव गॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल का रेडियस दिया गया, तो बताओ बेटा एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना आएगा, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आएगा 4/3
पाई आर के बदले 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम है, दैट इज 10^-10 का यहाँ पे क्यूब आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 मान लो, पाई के बदले 3.14 अप्रोक्सीमेटली ये, और ये कटेगा अप्रोक्सीमेटली 4×10^-30 क्यूबिक मीटर्स, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बताओ बेटा मेरे पास ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स है, मेरे पास Na/4 मॉलिक्यूल्स है, तो अगर एक मॉलिक्यूल ने इतना यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया तो बताओ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स कितना आएगा, 2 होते तो इसको मल्टीप्लाई 2 करता, 3 मॉलिक्यूल्स होते तो मल्टीप्लाई 3 करता, 1000 मॉलिक्यूल्स होते तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करता। तो बताओ बेटा मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना आएगा मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज Na/4, ये और ये कटेगा, दैट 6.023 अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूंगा 6×10^-30 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है ना। हाँ एक गलती मैंने कर दी यहां पे, एवोगैड्रोस नंबर इज 6.023×10^23 और साथ में आएगा बेटा 10^-30 यानी अप्रोक्सीमेटली 6×10^-7 क्यूबिक मीटर्स, दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय योर ऑल द मॉलिक्यूल्स। बट अगर आप देखोगे वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना आएगा, ये एक साइड का वॉल्यूम क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर, वो तो बेटा साइड क्यूब आएगा, वो तो आएगा 3×3=9×27 और सेंटीमीटर को मीटर में लाओ वो तो आएगा बेटा 27×10^-6 क्यूबिक मीटर्स। तो आप चेक कर सकते हो योर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड नहीं है, बिकॉज आपके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो आप चेक कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ गैस, राइट, तो ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हो बेटा पावर्स पे तो ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, यानी ये बहुत ही ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू दिस। हाँ मैं पावर टू फैक्टर ऑफ 10 में बोल सकता हूं, ठीक है ना, ज्यादा है बट उतना भी ज्यादा नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट दैट मच एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लगेगा। अच्छा बाद में इस वॉल्यूम के साथ क्या होगा, प्रेशर आपने बढ़ा दिया आइसोथर्मल प्रोसेस में, वॉल्यूम तो और कम होगा, फाइनल वॉल्यूम तो इससे भी कम होगा, फिर तो वो और नजदीक आएगा वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स के, यानी अगेन फाइनल स्टेट में भी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कंपेरेबल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, हेंस यू कैन नॉट यूज आइडियल गैस इक्वेशन। इसका मतलब आइडियल गैस इक्वेशन जो है इज नॉट एप्लीकेबल इन एनी स्टेट, आप आइडियल गैस इक्वेशन जो है ना तो इनिशियली लगा सकते हो ना तो फाइनली लगा सकते हो। तो ये ऑन द प्रॉपर्टी कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, उस पे ये सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, आप देख सकते हो यहां पे ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप ये प्लीज ध्यान देना इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, नाउ यहां पे बेटा एक और सवाल आया है, ठीक है ना, नाउ एग्जामिनर क्या बोल रहा है, तो आपने बाकी पोस्टलेट्स आपको पता होने चाहिए, तो डोंट एक्सपेक्ट मैं वो सारे पोस्टलेट्स आपको बोलता। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा वहां पे कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, वो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा, रियल गैस में होता है। यहां पे प्रेशर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अगर आप एक वेसल में गैस लोगे यहां पे इलास्टिक कोलिजन होता है, वॉल्स और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इलास्टिक कोलिजन और मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इलास्टिक कोलिजन आता है, देयर इज ओनली फोर्स अराइजिंग ड्यूरिंग कोलिजंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, देयर इज आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी मतलब प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन में कोई भी प्रॉपर्टी सेम आएगा, यानी अगर मैं ऊपर जाऊं प्रेशर सेम, नीचे आऊं प्रेशर सेम, वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की देखो हर डायरेक्शन में सेम आएगा, दैट्स आइसोट्रॉपी भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पे एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है आपके पास एक क्यूब है, इंसुलेटर क्यूब है, आपने एक फेस को, ये जो ABCD फेस है, इसको पॉजिटिव चार्ज आपने दिया हुआ है, राइट, और आपके पास जो एक गैस, इट्स आयोनाइज्ड हाइड्रोजन गैस यानी एच पॉजिटिव। तो अब यहां पे समझना बेटा मेरी बात को, आइसोट्रॉपी तो लूज हुई, आइसोट्रॉपी लूज कैसे हुई, आप इस वॉल और मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ रिपल्शन भी आएगा ड्यू टू दियर चार्जेस, इस वॉल और मॉलिक्यूल के बीच में वो रिपल्शन नहीं आने वाला, यानी इस डायरेक्शन में आइसोट्रॉपी कुछ और, इन डायरेक्शन में कुछ और आएगा, यानी एन आइसोट्रॉपी यहां पर आएगा।
ओके आइडियल गैस इक्वेशन में जब हम प्रेशर निकालते हैं बेटा, वहां पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आता, सिर्फ कोलिजन्स वहां पे होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में और मॉलिक्यूल्स और कंटेनर की वॉल्स के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है। अब यहां पे एग्जामिनर क्या बोल रहा है, हाँ यहां पे पहला ऑप्शन यहां मिस हुआ है, नॉट वैलिड, ठीक है ना। द यूजुअल काइनेटिक थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन गिव मी अ सेकंड, एक पहला ऑप्शन इसमें मिस हुआ है, वो पहला ऑप्शन में यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, पहला ऑप्शन क्या था, वो पहला ऑप्शन था विल बी वैलिड, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे था विल बी वैलिड, पार्डन मी यहाँ पे मिस हुआ है। तो अब सवाल पड़े, यूजुअल काइनेटिक एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जो आप प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन निकालते हो, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, विल बी वैलिड, नो दैट विल नॉट बी वैलिड, बिकॉज वहां पे ये कोई ऐसा रिपल्शन होता ही नहीं था वॉल और मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी ये ऑप्शन आपका गलत आ रहा है। ओके एग्जाम्पल और क्या बोल रहा है बेटा, बी ऑप्शन अब देखेंगे, विल नॉट बी वैलिड सिंस द आयंस वुड एक्सपीरियंस फोर्स अदर देन ड्यू टू कोलिजंस विद द वॉल्स, यस ये वाला सही ऑप्शन है, ये वैलिड नहीं होगा बिकॉज अब यहां पे एक एक्स्ट्रा रिपल्सिव फोर्स वॉल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में आ रहा है। विल नॉट बी वैलिड सिंस कोलिजंस विल विद वॉल्स वुड नॉट बी इलास्टिक, ठीक इलास्टिक तो फिर भी आएगा, ये गलत है, ठीक है ना। विल नॉट बी वैलिड बिकॉज आइसोट्रॉपी इज लॉस्ट, यस ये भी सही है, तो इसमें दो ऑप्शन सही है, मल्टीपल ऑप्शन, आइसोट्रॉपी भी लॉस्ट हुआ, और आइसोट्रॉपी मतलब प्रॉपर्टीज सेम होती है हर एक डायरेक्शन में, वो तो लॉस हुआ, यहां पे आइसोट्रॉपी लॉस हुआ ए बी सी डी फेस पे, बिकॉज बाकी कोई फेस आप देखो किसी भी फेस पे ऐसा रिपल्सिव फोर्स कोई वॉल का कोई भी फेस इसके बगैर मॉलिक्यूल्स को नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा यहां पे, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस कुछ थे। अब यहां पे नाउ, अब ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उस पे भी सवाल एग्जामिनर बना सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में ज्यादा कब आता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस पे डिपेंड करते हैं, वो सारी चीजें यहां पे हम देखने वाले हैं। तो पहले यहां पे बेटा देखिए, दियर isn't any type of force between the molecules, that is intermolecular force is equal to zero for ideal gases. ये ideal gases के लिए होता है। तो ideal gas की बात करो बेटा, वहां पे कोई intermolecular force नहीं होता है, यानी molecule molecule के बीच में कोई attraction कोई repulsion नहीं है। और एक बात आपको mechanics से पता होना चाहिए, for attractive force fields potential energy is negative, तो यानी अगर attractive force होता molecules के बीच में फिर potential energy negative आता, और अगर रिपल्सिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में आता फिर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आता। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, रियल गैस के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, फिर बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव। रिमेंबर यहां पे मैंने ये पॉइंट शायद लिखा भी है, फॉर अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड्स आगे देखेंगे। तो पहले बेटा यहां ध्यान दीजिए, मैंने डिफरेंट यहां पे लिखा है शायद, हां फॉर अट्रैक्टिव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर अट्रैक्टिव, इससे आपके क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। फॉर अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड्स पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज नेगेटिव, यानी अगर अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड्स है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट इज नेगेटिव। फॉर रिपल्सिव फोर्स फील्ड्स, यानी अगर आप ग्रेविटेशन में देखोगे ना, एक मास दूसरे को अट्रैक्ट करता है, वहां पर भी यू आया था माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, राइट। तो यहां पे भी आप अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड देखोगे और पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। अब यहां पे बेटा अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रियल गैसेस में आएगा, रियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आएगा, लेकिन अगर आपने सेपरेशन मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ा दिया फिर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, और रियल गैस में आप बहुत ज्यादा सेपरेशन बढ़ा दो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो आएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा यहां पे ध्यान दीजिए घटेगा बाय इंक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्लियर है, सिंपल पॉइंट है। अब सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में किस टाइप की बेटा एनर्जी होती है, सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स आर बाउंड दे कैन ओनली वाइब्रेट, तो इनमें क्या आएगा बेटा, ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में आएगा, ठीक है ना। नाउ लिक्विड गाढ़ा हो अगर पतला हो, लिक्विड में ऑलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑलमोस्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर बेटा अब आपका लिक्विड थोड़ा ज्यादा गाढ़ा है फिर पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा ज्यादा आएगा, और अगर लिक्विड थोड़ा पतला है तो फिर काइनेटिक एनर्जी स्लाइटली ज्यादा आएगा, वो पॉइंट मैंने इसमें लिखाया है। और ये ऑब्जेक्टिव भी सीधे आ सकता है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें भरे हुए हैं, आपने किसी के पास भी पढ़ा हो तो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि बहुत मेहनत की इस इन चीजों में हमने, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भरी है, जो भी किसी के पास भी आप ये देखो मटेरियल, आपको ये बेस्ट मटेरियल मिलने वाला है। और गैसेस में क्या होगा बेटा, गैसेस में काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट इज वेरी लार्ज,
बिकॉज गैस में तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी आएगा बट कम ही आएगा रियल गैस में, आइडियल गैसेस में नहीं आएगा। तो काइनेटिक गैसेस में, यहां सॉरी गैसेस में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है इट्स वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड दैट दैट ऑफ व्हाट पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। यानी जितना आप टेम्परेचर का, अब ये मत बोलोगे ना सी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ा रहा हूं राइट, तो मैं बहुत अच्छा भी पढ़ा रहा हूं, बेस्ट पढ़ा रहा हूं, तो आप पूरा ध्यान दे रहे हो, यानी आपके और मेरे बीच में IMF स्ट्रांग है। अब अगर कमरे में आग लग गई, क्या आप उस टाइम IMF देखोगे? आप बोलोगे बाढ़ में जाए सर, बाढ़ में जाए IMF, आप तो भागोगे ना। यानी जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उससे क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स टाइम IMF बाढ़ में जाए, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से IMF घटेगा। Obviously, आप दूर दूर भागना स्टार्ट कर दोगे जब आग लगी कमरे में। तो आप बोलोगे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, आपको पता भी होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन्स, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है, कोई भी काइनेटिक एनर्जी आगे आप देखोगे इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रिमेंबर वन मोर थिंग, जब भी एग्जामिनर कैपिटल टी कहीं पे लिखेगा, कैपिटल टी आए तो टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है। बट कभी अगर इसने टेम्परेचर थीटा से रिप्रेजेंट किया, अगर थीटा से रिप्रेजेंट किया तो टेम्परेचर किसी में भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, तो किसी में भी आ सकता है। नाउ यहां पे बेटा अब मुझे आप बताइए, ठीक है ना, यहां पे अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है। हां इस पे भी सवाल बन सकता है इंपॉर्टेंट, आपके एक्सटर्नल मोशन की वजह से, या अगर आपके पास एक सिस्टम है, गैस सिस्टम है, एक्सटर्नल मोशन की मदद से या वजह से इंटरनल मोशंस इफेक्ट हो सकती हैं। यानी अगर आपने क्या किया बेटा, अगर आपने गैस एक कंटेनर में लिया, अब इसको आप चला रहे हो, ठीक है ना, चला रहे हो, तो इसकी चलाने की वजह से अंदर मॉलिक्यूल्स की मोशन इफेक्ट हो सकती है। जरूरी नहीं होगी, हो सकती है, कब होगी कब नहीं होगी वो अभी एक्सप्लेन करूंगा। यानी एक्सटर्नल मोशंस जो है कैन इफेक्ट, समझना बेटा मेरी बात को, द इंटरनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और इफेक्ट द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर। बिकॉज आपने अभी बोला काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का चेंज हुआ फिर टेम्परेचर भी चेंज होगा। अब एक्सटर्नल मोशन की वजह से अंदर मॉलिक्यूल्स का मोशन चेंज हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उनका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ यहां पे इंटरनल मोशंस की वजह से एक्सटर्नल मोशन पे इफेक्ट नहीं होता, राइट। एक्सटर्नल मोशन कैन इफेक्ट द इंटरनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और इफेक्ट द इंटरनल, फिर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी इफेक्ट होगा, फिर टेम्परेचर भी इफेक्ट होगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक पॉइंट और ऐड करूंगा यहां पे, एक्चुअली जब भी आप देखते हैं ना मॉलिक्यूल्स की स्पीड, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, इट्स विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस सिस्टम, नॉट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट्स विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सिंपल पॉइंट, जुगाड़ पॉइंट बोलूंगा, जब भी आपका सिस्टम एक्सेलरेट करे या रिटार्ड करे, चाहे एक्सेलरेट करे या रिटार्ड करे, ठीक है ना बेटा, एक्सेलरेट करे या रिटार्ड करे, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगा अभी मैं दिखाऊंगा, बिकॉज उन पे स्यूडो फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स लग गया तो वो एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और साथ में रिमेंबर, जब आप टेम्परेचर मेजर करते हो ना, टेम्परेचर इज ओवरऑल प्रॉपर्टी, यानी एक सिस्टम का ओवरऑल टेम्परेचर, बट प्रेशर इज डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर वॉल, इस वॉल पे, उस वॉल पे, इस वॉल पे, उस वॉल पे कितना प्रेशर आया। बट अगर टेम्परेचर एक्सप्लेन करना है वो ओवरऑल सिस्टम के लिए एक्सप्लेन होता है। हाँ जब आपने सिस्टम को मूव कराया, आप एक्सेलरेट कराया, मैंने बोला कब होगा एक्सेलरेट, हाँ अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चलाओगे ना उससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी ओवरऑल एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, सॉरी एनसीईआरटी एग्जाम पर का एक सवाल अभी इस पे बनेगा। अगर आप मोशन पूरा सिस्टम को करा रहे हो, कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ चला रहे हो, ओवरऑल मोशन जो है वो इफेक्ट नहीं करता है इंटरनल मोशन को। मतलब क्या हुआ, अभी डिटेल में ये बातें बोलूंगा। एक्चुअली क्या होता है बेटा, अभी काइनेटिक एनर्जी, या मैंने अभी भी बोला आपको, काइनेटिक एनर्जी हो, स्पीड हो, या आप मेजर करते हो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, नॉट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस पे भी सवाल एग्जामिनर बना सकता है, इस पे भी सवाल एग्जामिनर बना सकता है, राइट। नाउ
यहां पर एग्जांपल क्या बोल रहा है, अ गैस कंटेनर इन अ व्हीकल इफ द व्हीकल एक्सेलरेट्स और रिटार्ड्स, चाहे एक्सेलरेट करे या रिटार्ड करे, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चले तो फिर गैस मॉलिक्यूल्स पे कोई सीडो फोर्स नहीं लगेगा, जब उन पे कोई सीडो फोर्स नहीं लगेगा तो बेटा उन पे एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा, जब उन पे एक्सेलरेशन भी नहीं आया उनका स्पीड नहीं बढ़ेगा, जब स्पीड नहीं बढ़ा काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा, जब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। बट जब आप एक्सेलरेट करोगे, एक्सेलरेट जब आप सिस्टम को करोगे, उसकी एक्सेलरेशन की वजह से अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे सीडो एक्सेलरेशन लगेगा, चाहे रिटार्ड करो या एक्सेलरेट करो, अंदर मॉलिक्यूल्स को एक्सेलरेशन मिलने वाली है, अगर उनको एक्सेलरेशन मिली उनका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ गया तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है ना। यहां पे वही पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ गैस कंटेनर इन अ व्हीकल इफ द व्हीकल एक्सेलरेट्स और रिटार्ड्स द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बिकॉज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज। क्लियर, गिव मी अ सेकंड। ओके, ये पॉइंट मैंने अभी भी आपको बोला, प्रेशर जो है इज मेजर फॉर ए पर्टिकुलर वॉल बट टेम्परेचर इज मेजर्ड ओवरऑल, टेम्परेचर ओवरऑल मेजर किया जाता है। चलिए यहां पे मैं एक पॉइंट आपको पहले ऐड करा देता हूं। चलो मैंने फॉर एग्जांपल एक गाड़ी ली, चलिए ये मेरे पास एक गाड़ी है, इस गाड़ी में मैंने एक वेसल लिया बेटा, इसमें गैस है, अगर मैं इसको आगे एक्सेलरेट करूं इस पे सीडो फोर्स लगेगा। आप ऐसे भी बोल सकते, आप ऐसे बोल सकते, गाड़ी तो आगे गई, वेसल तो आगे गया पर उसके अंदर गैस पीछे ही रह गया, तो पीछे लेवल ज्यादा आएगा लाइक दिस। अब ये लेवल ऐसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनेगा, थीटा, और ये आप मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ा है, ये थीटा किसके बराबर आएगा, ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा। नाउ ना बेटा यहां अब अगर मैं इसको एक्सेलरेट कराऊं तो बताओ, चलो ये पॉइंट मुझे बताओ, अब अगर मैंने इसको एक्सेलरेट कराया तो पीछे जो है लेवल बढ़ गया गैस मॉलिक्यूल्स का, यहां पे लेवल कम हुआ, अब मुझे बताओ या यहां ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स आए यहां कम गैस मॉलिक्यूल्स आए, जब यहां ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स आए तो इस वॉल पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और इस वॉल पे प्रेशर क्या होगा, कम। क्लियर। अच्छा अब अगर मैं इसको क्या करूं बेटा, पीछे एक्सेलरेट करूं, राइट, अगर मैं पीछे एक्सेलरेट करूं, अब बेटा सीडो फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, अब ये वाला सरफेस ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, अब इस साइड मॉलिक्यूल ज्यादा तो फिर इस साइड प्रेशर ज्यादा, फिर इस साइड प्रेशर कम आएगा। क्लियर। चलिए नाउ यहां पे बेटा इंटरनल एनर्जी क्या होता है, आप तमाम मॉलिक्यूल्स लो, उनकी हर एक टाइप की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में बेटा तीन टाइप्स आएंगे, एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एज वेल एज वाइब्रेशनल, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी कोई भी हो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, चाहे ट्रांसलेशनल हो, चाहे रोटेशनल हो, चाहे वाइब्रेशनल हो, कोई भी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बट जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है इट डिपेंड्स इनडायरेक्टली, अब ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूं, ये भी सीधे एग्जाम में आ सकता है, आपका जो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है इट इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्या प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के चेंज करने से क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, क्या आईएमएफ चेंज होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, अभी मैंने बोला कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस वाला मत बोलना। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन आईएमएफ, बिल्कुल ठीक है ना बेटा, आईएमएफ की वजह से आता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से आता है, अट्रैक्टिव तो नेगेटिव, रिपल्सिव तो पॉजिटिव, यानी जब तक फोर्स फील्ड नहीं होगा तब तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स है तब जाके आएगा बेटा ईएमएफ। आइडियल गैस में आईएमएफ नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं आएगा, तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होगा, आइडियल गैसेस के लिए इंटरनल एनर्जी होगा प्योरली काइनेटिक, ओनली काइनेटिक, एंड काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी आइडियल गैसेस
उसका इंटरनल एनर्जी विल बी अ फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जीरो फॉर आइडियल गैस IMF। नाउ अब मुझे बताओ बेटा, सबसे ज्यादा ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सबसे ज्यादा मुझे बताओ आपका IMF कहां पे होगा। सबसे ज्यादा IMF, अगर मैं IMF का ऑर्डर बोलूं, IMF सबसे ज्यादा आएगा बेटा सॉलिड्स में, उसके बाद कहां पे आएगा लिक्विड्स में, उसके बाद कहां पे आएगा, चलो मैं रियल गैसेस बोल देता हूं, और उसके बाद कहां पे आएगा आइडियल गैस में, बिकॉज आइडियल गैस में तो IMF जीरो है। अब बताओ यहां पे अगर आया सबसे ज्यादा IMF, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, सबसे ज्यादा बोलो, बट बोलो नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव, तो यहां पे आएगा पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, बट ये नेगेटिव आएगा। फिर उसके बाद यहां पे लिक्विड्स में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, बट नेगेटिव टाइम ज्यादा, नेगेटिव टाइम आएगा, ठीक है ना। फिर आएगा पोटेंशियल एनर्जी किसमें, रियल गैसेस में, बट नेगेटिव टाइम ज्यादा, और फिर आएगा आइडियल गैसेस में, वहां तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जितना नेगेटिव टाइम ज्यादा हो, यानी मैग्नीट्यूड में सॉलिड्स का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, ये तो नेगेटिव टाइम ज्यादा है ना, नेगेटिव टाइम जितना ज्यादा होता है वो तो फिर कम होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी सॉलिड्स में आएगा बेटा सबसे कम। एक्चुअली वो क्या है, नेगेटिव टाइम सबसे ज्यादा, नेगेटिव टाइम सबसे ज्यादा, तो फिर क्या आएगा, फिर तो बेटा वो सबसे कम आएगा, यही मैंने ऑर्डर यहां पे लिखा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड। एक्चुअली नेगेटिव टाइम सबसे ज्यादा, यानी मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा, सॉलिड्स में, देन लिक्विड्स में, देन गैसेस में, गैस में पहले रियल, फिर आएगा आइडियल गैसेस। तो एक्चुअल ऑर्डर पोटेंशियल एनर्जी का क्या आएगा, ये तो नेगेटिव टाइम्स, यहां पे चेक करो बेटा, ये तो नेगेटिव टाइम्स ज्यादा था, मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा था, तो अगर नेगेटिव के साथ बोलोगे फिर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी गैसेस में आएगा, रियल गैसेस में कि आइडियल गैसेस में, एक्चुअल ऑर्डर आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेस इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रियल गैसेस, इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड्स, इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, बट नेगेटिव टाइम्स, यानी मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा, ओवरऑल वैल्यू इसका सबसे कम आएगा, बिकॉज यहां पे फोर्स इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स इज क्रिएट व्हाट, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। Now, अब अगर आपने बेटा यहां पे ध्यान दो, ये जो आपका IMF होता है, इट इज इफेक्टेड बाय, इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन PVT, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, अगर मैं डायरेक्टली बोलता फिर इसका मतलब क्या होता, हमेशा अगर PVT चेंज किया जाए तो IMF चेंज होगा, नो, कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। चलो अब अगर मैं बोलूं, मैंने एक बलून लिया एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने बलून में हवा भरी, मुंह से हवा भरी, तो बताओ बेटा वहां पे क्या प्रेशर बढ़ा, बिल्कुल, वॉल्यूम बढ़ा, बिल्कुल, ठीक है ना, राइट, प्रेशर भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, मुझे बताओ क्या वहां पे IMF बढ़ेगा कि घटेगा, सेम रहेगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ा दिए, जितना पहले मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसिंग था बाद में भी वही आया, तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन सेम रहा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी सेम रहेगा। अरे जरूरी नहीं है PVT से हमेशा IMF चेंज हो, हाँ हो भी सकता है, indirectly IMF depends on PVT, therefore you indirectly depends on PVT, potential energy, other U ये potential energy है। चलिए, kinetic energy depends on temperature, okay, बंद कमरे में, ऐसे भी बंद कमरा कर लो बेटा, फैन चला दो, गर्मी घुटन बढ़ जाएगी, क्यों, अगर आपने यहां पे फैन चला दिया तो फैन के चलने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ जाएगा, अगर मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ गया इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया बेटा फिर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वही मैंने पॉइंट यहां पे लिखा है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ए क्लोज्ड रूम विद फैन ऑन टेम्परेचर विल इंक्रीज ऑब्जेक्टिव, By increasing pressure, IMF increases, हो सकता है अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आएंगे, या वॉल्यूम डिक्रीज करो इससे मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आएंगे IMF बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स भागना स्टार्ट करेंगे तो दूर दूर जाएंगे तो IMF घटेगा, तो टेम्परेचर के बढ़ने से IMF घटता है, बट प्रेशर के बढ़ने से या वॉल्यूम के घटने से IMF बढ़ता है, IMF इंक्रीजेस एंड बाई इंक्रीजिंग वॉल्यूम IMF डिक्रीजेस, राइट, बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल्स विल मूव अपार्ट, IMF
will decrease. Clear? At very high temperature, real gases behave ideally. That's why we say कि जब temperature बहुत high होगा, molecules भागना start करेंगे. And low pressure भी हम बोलते हैं, low density भी बोलते हैं. जब आपने temperature बहुत high कर दिया, molecules भागना start करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना start करेंगे. जब एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो बेटा IMF घटेगा. Clear? तो जब IMF घटेगा, zero बन जाएगा. फिर यहाँ पे gas कौन सा बन जाएगा? It will behave ideally. ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ये भी एग्जांपल मैंने आपको बोल दी, आप देख सकते हो. चलिए आगे बढ़ेंगे. फॉर आइडियल गैसेस, अभी मैंने आपको बोला फॉर आइडियल गैसेस इट्स ऑलरेडी डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर बिकॉज नॉट प्योरली काइनेटिक. ओके, ये आप आगे भी देखोगे. यू किसके बराबर होता है? म्यू सी वी टी, वायर सी वी इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोसेस. आगे आप ये देखोगे, पढ़ा भी होगा आपने. तो यू डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर फॉर आइडियल गैसेज. तो फॉर रियल गैसेज यू इज हैविंग बोथ काइनेटिक एनर्जी फैक्टर एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी फैक्टर. एंड रियल गैसेज का बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इनडायरेक्टली किस किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे. ये हमने ऑलरेडी ऑर्डर मैंने आपको बोला हुआ था. चलिए नाउ, अब यहां पे बेटा आपके सवाल कुछ आ रहे हैं. assertion, reason, ये सवाल आई थिंक आया हुआ है, किस एग्जाम में आया है तो मैं आपको बता देता हूं. ये जो आपका ये एम्स 2018 में ये सवाल आया है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन एम्स 2018, assertion, reason. अब एग्जामिनर यहां पे बेटा क्या बोल रहा है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इंक्रीजेस. आइडियल मान लो, आइडियल है, आपने मोनो एटॉमिक लिया, डायटॉमिक लिया, ट्राइटॉमिक लिया, पॉलीएटॉमिक लिया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा इससे क्या होगा? इससे आपका इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगा. यानी एसर्शन बिल्कुल सही है. अब रीजन क्या बोल रहा है? थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस ओनली रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. क्या मैंने ऐसा बोला कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, रोटेशन नहीं बढ़ता, वाइब्रेशन नहीं बढ़ता? नो, मैंने बोला हर एक टाइप ऑफ, मैंने पहली नोट लिखवाया था कि हर एक टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया. यानी रैंडम मोशन यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है, रोटेशनल भी तो बढ़ेगा, वाइब्रेशनल भी तो बढ़ेगा. अब ये क्या बोल रहा है? थर्मल एनर्जीज इंक्रीज ओनली रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. नो, रैंडम के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी तो बढ़ जाता है, तेज हो जाता है, वाइब्रेशनल मोशन भी तो बढ़ जाता है. यानी आपका ये रीजन जो है गलत है. यानी assertion is right, but reason is false. ये आपका अच्छा सवाल है. आगे बढ़ते हैं बेटा. अब ये क्या आ रहा है? प्रेशर इन ए रियल गैस इज लेस इंपॉर्टेंट. ये सवाल भी आया है एम्स 2018 में. एम्स 2018 में आया हुआ है. क्या बोल रहा है एग्जाम्पल? प्रेशर इन ए रियल गैस इज लेस दैट देन इन एन आइडियल गैस. होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल. क्यों होगा? बिकॉज बेटा यहां पे अब आईएमएफ है. आईएमएफ की वजह से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स जो टकराना चाहते थे वॉल्स के साथ, अब उनको कोई पीछे भी तो खींच रहा है ना. पहले कोई पीछे नहीं खींच रहा था, वो मजे से जा रहे थे, टकरा रहे थे, अपनी सारी शिद्दत के साथ टकरा रहे थे. टकराने से क्या होता है? वहां पर प्रेशर डेवलप हो जाता है. बट अब आगे जाते जाते इनको कोई पीछे भी खींच रहा है आईएमएफ, तो प्रेशर कम होगा. रिमेंबर दिस, प्रेशर इन रियल गैसेस इज ऑलवेज लेस देन दैट इन व्हाट आइडियल गैसेस. बिल्कुल सही है assertion, बिकॉज आईएमएफ की वजह से. रीजन क्या आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉन जीरो इन रियल गैसेस. बिल्कुल, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी आईएमएफ. और इसी की वजह से ही तो बेटा ऊपर वाला एक्सप्लेन हो सकता है कि कोई पीछे खींच रहा था, अब ये दीवार के साथ टकराना चाहता था, कोई पीछे खींच रहा है, कोई वापस ला रहा है, उसी से तो अब प्रेशर इसका कम होगा ना. तो उसी वजह से यहां पे क्या आएगा? तो इसका मतलब बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. दिस मीन्स आईएमएफ नॉट इक्वल टू जीरो. This means IMF not equal to zero, and this is due to IMF not equal to zero. तो आप देख सकते हो बेटा, बिल्कुल आपका जो reason is explaining your assertion. तो इसका मतलब A part is the correct, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Now एक और सवाल यहाँ पे examiner बोल रहा है. इन फेज ट्रांजिशन, आपको पता होगा फेज ट्रांजिशन, ये भी एम्स में आया, आई थिंक 2016 में आया है. इन फेज ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स, फेज ट्रांजिशन, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. यहां पे ध्यान दो बेटा, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब फेज ट्रांजिशन होगा तो पहले क्या था, बाद में क्या बना?
अभी जो हम कर रहे थे ऑर्डर, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर, उसी में देखो। तो पहले ये था फेज ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स, पहले लिक्विड था फिर वेपर बना। वेपर में बोलो आईएमएफ क्या होता है, कम। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव टाइम्स कम, यानी ज्यादा। यानी पहले लिक्विड था, अभी ऑर्डर। तो अभी बोला ना मैंने, क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा आइडियल गैसेस का, देन रियल गैसेस का, देन लिक्विड्स का, देन सॉलिड्स का, अभी तो मैंने बोला। तो था बेटा पहले क्या, ये पहले ये गैस था कि लिक्विड था, पहले ये लिक्विड था क्या बन गया, पहले लिक्विड था वेपर बन गया, ठीक है ना, लिक्विड था वेपर बन गया। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, बिल्कुल एसर्शन जो है दैट इज राइट। अब ये क्या बोल रहा है, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, बिल्कुल है। बताओ बेटा कैसे, जब ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, जब आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आता है। जब आपका वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वेपर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आता है। यानी आपका टेम्परेचर फेज ट्रांजिशन में क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। बट क्या बेटा इसको उसके साथ कोई लेना देना है, क्या रीजन को एसर्शन के साथ कोई लेना देना है? रीजन बोल रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, बट अबव स्टेटमेंट इज ड्यू टू द बेस ऑफ आईएमएफ, दिस इज ड्यू टू द बेस ऑफ, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। यानी अलग अलग तो ये दोनों सही है, बट आपका जो ये रीजन है इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो इसका मतलब बी पार्ट इज द करेक्ट, एसर्शन एंड रीजन दोनों सही है, बट बेटा आपका रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग योर एसर्शन। वो बेटा ड्यू टू आईएमएफ, आपने वो एक्सप्लेन कुछ देर पहले किया, यहां फेज ट्रांजिशन में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, बिकॉज यहां पर जो भी आप हीट सप्लाई करते हो वो सारा कहां चला जाता है बेटा, वो स्टेट चेंज करने में लगता है, और वहां पर टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंट रहता है, यह आपने पढ़ा होगा। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक और एग्जामिनर सवाल दे रहा है, एग्जामिनर क्या सवाल दे रहा है बेटा, एन आइडियल गैस इज केप्ट इन अ कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर, इफ इट इज ट्रांसफर टू अ ट्रेन मूविंग विद हाई स्पीड, हाई स्पीड हो लो स्पीड हो कॉन्स्टेंट स्पीड हो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्सलरेशन और रिटार्डेशन हो से क्या होगा बेटा, एक्सटर्नल मोशन की वजह से या एक्सटर्नल एक्सलरेशन या रिटार्डेशन की वजह से इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर भी चेंज हो जाता है। यहां पर क्या बोल रहा है, देन टेम्परेचर ऑफ द गैस विद हाई स्पीड एन आइडियल इज ट्रांसफर्ड, एन आइडियल गैस इज केप्ट इन अ क्लोज कंटेनर इफ इट इज ट्रांसफर टू ए ट्रेन मूविंग विद हाई स्पीड, देन टेम्परेचर ऑफ द गैस विल, हाई स्पीड के साथ चल रहा है ना, हाई स्पीड के साथ चल रहा है, नो एक्सलरेशन नो रिटार्डेशन, तो यहां पे बेटा क्या होने वाला है, तो यहां पे इसका जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट। हाँ, अगर एक्सेलरेशन होता या रिटार्डेशन होता, या आपने क्या किया है, आपके पास एक, हाँ, अगर ये बोलता पहले रेस्ट में होता, अगर इसने नहीं बोला वैसे, तो मैं खुद कैसे एज्यूम करूं कि पहले रेस्ट पे था फिर वहां डाला, ये ड्यूरिंग द जर्नी बोल रहा है। एन आइडियल गैस इज केप्ट इन अ क्लोज कंटेनर, और आपने इसको एक मूविंग ट्रेन में शिफ्ट किया है, ट्रेन चल रही है कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, हाई स्पीड, with high speed then temperature of the gas will remain constant। अगर ये accelerate करता train या retard करता, उसे internal energy में change आता है, वो सवाल आगे आप देख सकते हो। चलिए आगे, now एक और सवाल यहां पे दिया गया है, आपके पास ये external motions कैसे effect करती है internal motions को, उस पे सवाल है। आपके पास एक ideal gas है filled in a closed container and container is moving with uniform acceleration horizontal direction में, तो चलो container है आगे accelerate कर रहा है, acceleration की वजह से बेटा क्या होगा, ये पीछे level ऐसे आएगा, यहां number of molecules ज्यादा, यहां pressure ज्यादा, because आपका molecules पे pseudo acceleration पीछे से लगेगा, यहां number of molecules ज्यादा, या ऐसे भी बोल सकते हो ना, ये chamber, ये vessel आगे गया, gas पीछे रहा, तो पीछे molecules inertia से, तो पीछे यहां पे molecules ज्यादा, pressure ज्यादा, आगे pressure कम आएगा, और temperature भी बढ़ेगा। बताओ temperature आगे बढ़ा कि पीछे बढ़ा, temperature आप आगे पीछे नहीं बोलते हो, temperature overall बोला जाता है, वो pressure आगे या पीछे अलग अलग walls के लिए देखा जाता है। तो ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इज लेस इन फ्रंट हाई इन बैक, तो लेस इन फ्रंट आएगा, यूनिफॉर्म तो नहीं आएगा। अगर कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ चल रहा होता तो फिर बेटा कोई सीडो एक्सलरेशन नहीं लगता, फिर यहां पे आपका जो लेवल होगा गैस मॉलिक्यूल्स का सेम रहेगा, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे, फिर प्रेशर यूनिफॉर्म आता। नाउ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक सवाल दिया गया है, आपके पास एक क्यूबिकल वेसल
With faces horizontal plus vertical contains an ideal gas at NTP. The vessel is being carried by a rocket which is moving at high speed. देखो बेटा speed constant है, again इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. In vertical direction, the pressure of the gas, मैं इसको बोलना चाहूँगा, it's very important question NCERT exemplar पे है, तो इन सवालों में से ये वाला सवाल में भी आपको आ सकता है. The vessel is being carried by a rocket which is moving at a speed of 500 meter per second in vertical direction. The pressure of the gas inside the vessel as observed by us on the ground is, pressure same rehne wala hai. Because overall motion se koi farak nahi padta, acceleration or retardation usse farak padta hai. To ye kya bol raha hai, remains the same, haan same rahega. Because 500 meter per second is very much smaller than VRMS. Are iske saath koi garzi nahi hai, lena dena hi nahi hai. पहला पार्ट ठीक बोला था, दूसरा फिर गलत बोला. रिमेन्स द सेम बिकॉज मोशन ऑफ द वेसल एज अ होल डज नॉट इफेक्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल. बिल्कुल सही है, पूरे वेसल का मोशन एज अ होल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सेलरेशन हो रिटार्डेशन हो उससे फर्क पड़ता है. विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ नो, इट विल नॉट इंक्रीज. विल डिक्रीज, नो. तो इसका बी पार्ट इज द आंसर. चलिए अब बेटा एक और सवाल दिया गया है इसी पे. आपके पास एक हॉरिजॉन्टल, इस पे एक न्यूमेरिकल सवाल भी बन सकता है, बट जेई वालों को बनेगा वैल्यू निकालना. आपको यह सवाल आ सकता है, आपके पास एक ट्यूब है, इसका एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड फ्री टू मूव है. अब ये रोटेट कर रहा है. ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ एल क्लोज्ड एट बोथ एंड्स कंटेन्स एन आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर मास एम. द ट्यूब इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ये रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू एन एंड. इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एंड पी वन पी टू आर प्रेशर्स एट फ्री. तो यहां पे प्रेशर पी वन फ्री एंड यहां पे पी टू. तो बेटा जब गैस मॉलिक्यूल सर्कल पे रोटेट करें, अंदर तो गैस मॉलिक्यूल सर्कल पे चलेंगे ना, तो इन पे क्या लगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स हम बाहर से देख सकते हैं, बट यहां पे आपके गैस मॉलिक्यूल्स है इन द एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो उन पे सिस्टम की तो बेटा आगे एक्सेलरेशन, तो उन पे स्यूडो एक्सेलरेशन पीछे से लगेगा. तो गैस मॉलिक्यूल्स पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पीछे से लगेगा, तो यहां गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा जाएंगे. जब गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा यहां जाएंगे तो यहां पे प्रेशर ज्यादा आएगा और यहां पे प्रेशर कम होगा, यानी P1 इज ग्रेटर देन P2. कितना ज्यादा है वो जेई वालों को सवाल आ सकता है, आपको नहीं आ सकता. आपको सिंपली आएगा प्रेशर इस एंड पे ज्यादा कि इस एंड पे ज्यादा. यहां रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अंदर मॉलिक्यूल्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, वो इस साइड शिफ्ट होंगे, तो इस साइड ज्यादा मॉलिक्यूल्स, इस साइड कम मॉलिक्यूल्स, यहां पर प्रेशर ज्यादा, यहां पर फिर प्रेशर कम आएगा, यानी पी वन जो है इट इज ग्रेटर देन पी टू. आगे बढ़ते हैं. नाउ यहां पे बेटा एग्जामिनर क्या दे रहा है, नाउ इक्वेशन ऑफ स्टेट. गिव मी अ सेकंड, पानी पी लेता हूं. बेटा इक्वेशन ऑफ स्टेट अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो आप, इतना मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा. पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी. केमिस्ट्री में आप एन लिखते हो, वहां यहां पे हम एन लेते हैं नंबर डेंसिटी, वेयर म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स. या ऐसे भी लिख सकते हो इंटरनल डेंसिटी, रो बाय मोलर मास आर टी, या पी वी इज इक्वल टू एन के टी, वेयर के इज बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट, एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. के का वैल्यू आपको पता है 1.3 × 10²⁻²³ लिखा है मैंने यहां पे. ओके, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में फर्क क्या होता है, आर 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन. कैलोरी में बोलते हैं अप्रॉक्सिमेटली 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. केमिस्ट्री में आप ये लंबा साइड लेते हो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स, तो आप ये देख सकते हो, हमें नहीं चाहिए. चलिए, तो ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बोला है. जब भी एग्जामिनर बोले आपको, क्या बोले कि टेम्परेचर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया गया तो केल्विन में, थीटा में टेम्परेचर आए तो बेटा ये किसी में भी हो सकता है, ये केल्विन में भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है. वन एटमोसफेयर आपको पता ही होता है, दैट्स अप्रॉक्सिमेटली 1.01 बार या 1 बार 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल. वन एटमॉस्फेयर ये आपको पता होगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है. वन एटमॉस्फेयर किसके बराबर, 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी. आपको पता होगा कि अगर आप मर्करी का 760 कॉलम लोगे, 760 मिलीमीटर कॉलम लोगे, तो उसके वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा दैट्स वन एटमॉस्फेयर. अब अगर एग्जामिनर बोले कि बताओ 2 मिलीमीटर मर्करी कॉलम है उसकी वजह से कितना प्रेशर आएगा,
तीन मरकुरी कॉल या 3 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर बताओ, उसकी वजह से प्रेशर कितना आएगा। रिमेंबर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रेशर ड्यू टू एक्स मिलीमीटर, प्रेशर ड्यू टू कन्वर्ट किया है मैंने, आपको बस ध्यान देना है, एक्स मिलीमीटर ऑफ मरकुरी इज इक्वल टू 136 एक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपको एक्स मिलीमीटर में लेना है, एक्स मिलीमीटर में आपको लेना है, तो जितने भी मिलीमीटर बोले 136 से मल्टीप्लाई करो वो आएगा। यहां पे मैंने लिखा है प्रेशर ड्यू टू एक्स मिलीमीटर ऑफ मरकुरी 136 एक्स, बट एक्स इज इन मिलीमीटर, कन्वर्ट करने मत बैठना वहां पे कि मीटर में लू मैं पहले, नो, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर डालो, मल्टीप्लाई 136 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए वॉल्यूम 1 लीटर क्या होता है, 1 cc 1 ml, या आप देख सकते हो आपको पता होगा, या आप जल्दी से ध्यान दीजिए, वॉल्यूम 1 लीटर दैट इज 10^-3 क्यूबिक मीटर्स या 1000 मिलीलीटर आएगा, या 10^3 क्यूबिक सेंटीमीटर या cc बोलो आप, 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, ये आपको पता होना चाहिए, इज इक्वल 10^-6 क्यूबिक मीटर्स। वाटर के लिए क्या होता है बेटा, वाटर के लिए होता है आपका 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है ना, या 1 kg आप लिख सकते हो, यहां पे सीधे 1 लीटर भी लिख सकते हो आप, 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 gram इज इक्वल टू 1 ml इज इक्वल टू 1 cc, ये ओनली फॉर वाटर आएगा। STP हो या NTP हो, मैंने पहले ही बोला न्यूमेरिकल्स में आप सेम लोगे। हाँ, अगर एग्जामिनर बोले बेटा STP एंड NTP म्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, म्यू की एक और फॉर्मूला भी आएगा, वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर्स एट STP या NTP, तो ऐसे भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, बट एट STP या NTP, तो ये एक और फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइड बाय 22.4 एट STP या NTP। नाउ चलिए, है ना, एक मोल आपको पता होगा 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करता है STP या NTP, तो अगर वॉल्यूम इन लीटर्स 22.4 लीटर्स डिवाइड बाय 22.4 वो तो 1 मोल आएगा, तो इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला याद रखिए आप। चलिए नाउ यहां पे एक सवाल दिया गया है, मेरे पास एक गैस है 4 ग्राम दिया गया, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट NTP या STP, NTP पे या STP पे कितनी क्वांटिटी गैस की वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर, दैट्स 1 मोल। या अगर आपको नहीं पता, मैंने फॉर्मूला भी बोला, म्यू किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम लीटर्स दैट इज 22.4 डिवाइड बाय 22.4 वो तो 1 आएगा, यानी म्यू दिया गया 1। When mu is equal to 1, आपको क्या निकालना है, आइडेंटिफाई द गैस, मास दिया गया बेटा आपको, तो म्यू किसके बराबर होता है, दैट इज मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो म्यू इज 1 तो मास इज इक्वल टू मोलर मास, 1 इज इक्वल टू m/mw, यानी m इज इक्वल टू mw, m तो दिया गया था 4 grams, यानी मोलर मास, सिंपल भी था ना, एक एक मोल का जो मास होता है दैट्स मोलर मास ऑलवेज, यानी ये एक मोल ने, ये एक मोल का मास आ रहा है, फिर तो ये मोलर मास होगा, मोलर मास 4 ग्राम किसका होता है बेटा, मोलर मास 4 ग्राम हीलियम का होता है, यानी द आंसर इज इट इज हीलियम गैस, बिकॉज हीलियम गैस हैज मॉलिक्यूलर मास ऑफ 4 grams per mole, राइट, ये तो 4 ग्राम है एक मोल का, 4 gram per mole, तो मास किसका होता है बेटा, दैट इज हीलियम का, यानी हीलियम वाज द गैस, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, जल्दी जल्दी, मैंने अभी आपको बोला था दैट्स वॉल्यूम इन लीटर्स, एसटीपी या एनटीपी की बात हो रही है, 5.6 लीटर्स डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स आएगा, 5.6 1000, 5.6 4000, बिल्कुल ये 4000 आएगा, यानी 1/4, यानी 0.25 मोल्स इज द आंसर, या 1/4 बोल दो। चलिए अब एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एन आइडियल गैस मिक्सचर फिल्ड विद अ बालून एक्सपेंड्स अकॉर्डिंग टू रिलेशन पीवी रेज पावर 2/3। अब आइडियल गैस इक्वेशन पे सवाल बनेंगे, ग्राफ्स पे सवाल बनेंगे, पीवी रेज पावर 2/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आपको एग्जामिनर क्या बोल रहा है बताओ, टेम्परेचर के साथ क्या होगा अगर बालून एक्सपेंड करे, यानी यू नीड रिलेशन बिटवीन वी एंड टी, यू नीड रिलेशन बिटवीन वी एंड टी, तब जाके मैं बोलूंगा ना कि अगर ये बढ़ रहा है तो इसके साथ क्या हो रहा है। अब बेटा यहां पे मुझे पी और वी के बीच में रिलेशन दिया गया, आई डोंट नीड पी, तो पी को मैं हटाऊंगा, तो पी के बदले में क्या लिख सकता हूं, पी के बदले आई कैन राइट म्यू आर टी बाई वी, एनी डाउट, पी के बदले आई कैन राइट म्यू आर टी बाई वी, और यहां पे वी रेज पावर 2/3 इज अ कॉन्स्टेंट, बिकॉज पी इज म्यू आर, पी इज, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, यानी पी इज इक्वल टू म्यू आर टी बाई वी, ये म्यू आर यहां कॉन्स्टेंट में शिफ्ट कर दिया, बात खत्म, तो बताओ बेटा क्या आएगा, टी
डिवाइड बाई, यहां v का पावर 1 ऊपर 2 बाई 3, बेसर सेम पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड, तो नीचे आएगा 1 माइनस 2 बाई 3, 1 माइनस 2 बाई 3 कितना आएगा, 1 माइनस 2 बाई 3 वो आएगा 1 बाई 3, चेक करिए, तो v रेज पावर 1 बाई 3 इज अ कॉन्स्टेंट, यानी t आएगा प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी में भर दिया v रेज पावर 1 बाई 3, तो बताओ बेटा अब क्या आएगा, v बढ़ेगा, तो अगर एक्सपेंड करोगे ये टर्म बढ़ेगा, अब बोलोगे तो पावर 1 बाई 3 है तो घटेगा फिर, नो, ये क्यूब रूट है, जितना वी बढ़ाओगे उसका क्यूब रूट भी उतना ही ज्यादा आएगा, राइट, तो बताओ बेटा क्या आएगा, ये वी बढ़ाते जाओ, वी बढ़ाते जाओ, 1 बाई 3 मतलब क्यूब रूट, जितना वी ज्यादा आएगा उसका क्यूब रूट भी उतना ज्यादा आएगा, यानी वी के बढ़ने से टी बढ़ेगा, तो यहां पे द टेम्परेचर ऑफ द बैलून विल इंक्रीज बिकॉज टी आया प्रोपोर्शनल टू वी रेज पावर 1 बाई 3। आगे बढ़ते हैं, नाउ assertion reason, यहां पे एक और सवाल आ रहा है, शायद ये भी किसी एग्जाम में आया है, तो मैं बता देता हूं आपको, हाँ, यहां पे बोल रहा है एग्जामिनर, PV value of a gas can increase on increasing the pressure, PV actually क्या होता है, mu RT है ना, PV, अगर ideal gas equation को तो PV is equal to mu RT, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, PV value of a gas can increase on increasing the pressure, अगर मैं PV बढ़ाऊं इससे प्रेशर बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है बेटा, PV is already depending on T, तो अगर बेटा मैं क्या करूं, अगर मैं T बढ़ाऊं फिर उससे PV बढ़ सकता है, या अगर मैं P बढ़ाऊं वॉल्यूम कांस्टेंट रखूं, PV वैल्यू कैन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, V कांस्टेंट रखूं P बढ़ाओ तो फिर तो PV बढ़ेगा, PV वैल्यू ऑफ गैस कैन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो अगर मैं P बढ़ाऊं तो PV तो बढ़ेगा, तो assertion तो सही आएगा, आ सकता है assertion, प्रेशर ऑलवेज इंक्रीजेज ऑन कंप्रेशन, क्या प्रेशर ऑलवेज इंक्रीज ऑन कंप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, नो नो, वो तब आएगा व्हेन पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, और ये तब आएगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन एंड ओनली देन प्रेशर इंक्रीजेज ऑन कंप्रेशन, यानी अब अगर मैं बेटा यहां पे समझना प्रेशर डिक्रीजेस, यहां पे चेक करिए, अगर मैं वॉल्यूम घटा दूं यानी कंप्रेशन, तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन ये तब होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है फिर क्या हो सकता है बताओ बेटा, अगर मैं लिखूं PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो अगर मैं वॉल्यूम कम कर दूं P बराबर आएगा म्यू आर टी बाई V, अगर मैं वॉल्यूम कम कर दूं यानी कंप्रेशन, लेकिन साथ में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा ये मैंने कम किया लेकिन बहुत कम कम कर दिया, यानी अगर मैंने डिक्रीज किया हाफ, लेट सपोज हाफ डिक्रीज किया, बट इसको मैंने 10 गुना बढ़ा दिया, 50 गुना बढ़ा दिया, अब ये ऊपर वाला ज्यादा ही बढ़ रहा है, नीचे वाला घट रहा है लेकिन कम ही घट रहा है, या अगर बेटा यहां पर चेक करो, समझना मेरी बात को, या ऐसे कर दूं, या ऐसे कर दूं, अगर मैं ऊपर वाला टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दूं और यहां पे वॉल्यूम भी कम कर दूं, बताओ न्यूमरेटर यहां पे बहुत कम हुआ तो फिर पी बहुत कम हुआ, यहां डिनोमिनेटर कम हुआ इससे पी बढ़ेगा, तो बताओ जरा डिनोमिनेटर का इफेक्ट आएगा कि न्यूमरेटर का इफेक्ट आएगा, डिनोमिनेटर में भी चेंज, न्यूमरेटर में भी चेंज, बट डोमिनेट कौन सा चेंज करेगा आप, डोमिनेट तो न्यूमरेटर का कर सकता है बिकॉज न्यूमरेटर में चेंज बहुत ज्यादा लाया मैंने, तो यहां पे अगर मैं देखो कंप्रेशन करूं भी, सी अगर मैं कंप्रेशन करूं भी लेकिन साथ में टेम्परेचर भी घटा दूं तो हो सकता है प्रेशर ना बढ़े, तो ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ तब आएगा कि कंप्रेशन से प्रेशर बढ़ेगा व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चलिए एग्जाम्पल अब क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फॉलोज द लॉ अकॉर्डिंग टू दैट प्रेशर वेरीज विद, पी दिया गया, पी दिया गया है बराबर ए डिवाइड बाय 1 प्लस वी बाय बी, एग्जामिनर क्या बोल रहा है, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, द टेंपरेचर ऑफ द गैस एट वॉल्यूम v इज इक्वल टू ए इज, हमें टेम्परेचर इस फलाने वॉल्यूम पे निकालना है, यानी प्रेशर मुझे नहीं चाहिए, प्रेशर को हटा के मुझे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ही भरना है, तो अगेन बताओ बेटा प्रेशर के बदले 1 मोल दिया गया है, तो 1 मोल के लिए बताओ क्या आएगा, PV इज इक्वल टू आर टी बिकॉज म्यू इज इक्वल टू 1, 1 मोल दिया गया था PV इज इक्वल टू आर टी, तो P के बदले क्या आएगा, P के बदले आएगा आर टी बाई वी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 प्लस वी बाई बी, तो यहां पर आप
टेम्परेचर निकालना है कब, जब वी का वैल्यू ए होगा, डाल दो तो बताओ बेटा क्या आएगा, आर टी बाई ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई वन प्लस ए बाई बी, ये बी प्लस ए, बी ऊपर जाएगा फिर ये ए भी आएगा, ये टी डिवाइड में आएगा। अगर मैं सॉल्व जल्दी से कर दूं, ये टी बराबर आएगा यहाँ पे ये ए स्क्वायर आएगा साथ में बी, तो ये बी ए स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई आर आएगा और अंदर बचेगा बी प्लस ए। मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व किया, आप भी कर लो, दैट इज बी ए स्क्वायर आर डिवाइड बाई बी प्लस ए। तो ये पहला ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जामिनर क्या बोल रहा है बेटा, बट बाय व्हाट परसेंट शुड द प्रेशर ऑफ अ गैस गिवन मास ऑफ गैस बी इंक्रीज सो एज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय 10% एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर। अब बेटा यहां पे आप एरर टेक्निक नहीं लगाओगे बिकॉज यहां पे चेंज बहुत कम नहीं है, लेस देन 5% नहीं है। तो अब आपने क्या किया हुआ है, आपने यहां पे बाय व्हाट परसेंट शुड द आपने परसेंटेज चेंज इन प्रेशर निकालना है, बाय व्हाट परसेंट शुड द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस बी इंक्रीज सो एज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम, यानी डिक्रीज इन वॉल्यूम इज 10%। तो अब अगर आपने डिक्रीज वॉल्यूम 10% किया तो फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा बेटा, फिर 90%। 90% कितना आएगा, 90% आएगा 9V/10 आएगा ना, 10% कितना आएगा V/10, 90% कितना आएगा, देखो ना 90% निकालना आता है ऑफ V, यानी 90 into V divided by 100 यानी 9V/10 ये फाइनल वॉल्यूम आएगा, बचा तो 90%। तो इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, बताओ फाइनल प्रेशर क्या आएगा, फाइनल प्रेशर आएगा यहाँ फाइनल वॉल्यूम आएगा दैट इज 9V/10 ऊपर चला जाएगा। आप प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट भी भर सकते हो, दैट इज पी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय वी, यहाँ पे पी डैश इज इक्वल टू 10 सम कांस्टेंट के डिवाइड बाय 9V। तो अब आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, यानी पी डैश माइनस पी बाई पी इंटू 100%। सॉल्व इट, अभी आप खुद करोगे, आंसर मिलेगा 11.1% इज द आंसर इंक्रीज, इतना तो आप खुद करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे एग्जामिनर बेटा क्या बोल रहा है, तो हिंट दूंगा, आप खुद करोगे ऐसे सवाल जो इजी होंगे। एट 10 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ आइडियल गैस डिवाइड बाय प्रेशर इज एक्स, क्या है डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर रो बाय पी। तो पहले रो बाय पी किसके बराबर होता है देखेंगे। आपको पता है बेटा पी इज इक्वल टू रो आर टी बाई मोलर मास, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। रो बाई पी मुझे चाहिए, तो बताओ फिर रो बाई पी क्या आएगा, तो रो बाई पी आएगा मोलर मास ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई, हाँ ये पी यहाँ डिवाइडेड बाई आर और डिवाइडेड बाई टी आएगा, बिल्कुल। अब ये आपको दिया गया है, अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि रो बाई पी जो है इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एट 10 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड प्रेशर इज एक्स 10 डिग्री पे, यानी ये आपको दिया गया एक्स किस टेम्परेचर पे, यानी मैं लिख सकता हूं एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लेना है, यानी ये आएगा 273 प्लस 10 यानी 283 केल्विन, इक्वेशन फर्स्ट। एट 110 डिग्री सेल्सियस द रेशियो इज, चलो अब इस रेशियो को मैं एक्स डैश मानता हूं, एंड एक्स डैश इज रो बाई पी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। अब टेम्परेचर 110 प्लस 273 वो तो 383 आएगा, 383 आएगा, यानी एक्स डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/383। तो डिवाइड करो एक्स डैश बाई एक्स किसके बराबर आएगा, तो एक्स डैश बाई एक्स बराबर आएगा, एक्स डैश डिवाइड बाई एक्स आएगा 283, चेक कर सकते हो आप, डिवाइडेड बाई 383, यानी एक्स डैश आएगा 283/383 मल्टीप्लाइड बाई ये एक्स चला जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन इज द आंसर। चलो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ रहा है। एग्जामिनर बोल रहा है एक प्रोसेस है जिसके लिए
पीटी जो दिया गया है कांस्टेंट दिया गया है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस निकालना है। बता बेटा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा किसके बराबर होता है? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये आपको निकालना है। यानी आपको चाहिए रिलेशन बिटवीन वी एंड टी, राइट? तो बताओ बेटा ये पी फिर से हटाना पड़ेगा, तो पी के बल्ले क्या आएगा? पी के बल्ले आएगा म्यू आर टी बाई वी, म्यू आर कॉन्स्टेंट में भर देता हूं, तो इसके बल्ले क्या आएगा? पी के बल्ले आएगा म्यू आर टी डिवाइड बाई वी। एक और टी है ये म्यू आर, इसमें तो म्यू आर भी था, वो मैंने कॉन्स्टेंट को डिवाइड यहां कर दिया तो कॉन्स्टेंट ही आएगा। यानी टी स्क्वायर डिवाइड बाई वी इज अ कॉन्स्टेंट, यानी टी स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू वी, यानी टी इज प्रपोर्शनल टू अंडर रूट वी। अब बेटा जब एक्सपेंशन होगा बहुत कम ही होता है, ठीक है, उतना ज्यादा भी नहीं होता, यू कैन अप्लाई एरर टेक्निक। तो बताओ क्या आएगा? टी का पावर वन, तो यह आएगा डेल्टा टी बाई टी, प्रोपोर्शनल टी हटा दो, इक्वलिटी कॉन्स्टेंट भूल जाओ एरर टेक्निक में। वी रेज पावर वन बाई टू, तो यह आएगा वन बाई टू डेल्टा वी बाई वी आएगा, एरर टेक्निक मैंने लगा दिया। ये डेल्टा टी यहां लाओ, टू वहां ले जाओ, तो ये टू बाई टी आएगा डेल्टा वी बाई वी डिवाइड बाई डेल्टा टी आएगा। डेल्टा टी यहां लाया मैंने, टू यहां लिया, तो टू बाई टी इज डेल्टा वी बाई वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। यही तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। तो आंसर इज टू बाई टी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब एग्जांपल क्या बोल रहा है। लेट्स अज्यूम दैट आइडियल गैसेस बिहेव्स एज फॉलोइंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, आपको ये सीधे एग्जामिनर पूछ सकता है सवाल। ये पहले मैंने पूछा था आपको कि आता है कि नहीं आता है। लेट्स अज्यूम दैट आइडियल गैसेस बिहेव्स एज फॉलोज। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम। प्रेशर इज inversely proportional to square of volume, ये तब जब temperature constant। दूसरा बोल रहा है at constant pressure volume varies directly to the 2/3 power of temperature, T raise power 2/3, ये तब जब volume constant। at 273 kelvins and 1 atmospheric pressure One mole of an ideal gas occupies 22.4 liters। ये तो फिर आप इसका मतलब PV is equal to mu RT भी लगा सकते हो, वो इक्वेशन भी वैलिड यहां पे आनी चाहिए। तो अब यहां पे बेटा ये ध्यान दीजिए, इन दोनों को मैं जरा इक्वेट करूं तो यहां से क्या मिलेगा पहले से, तो आप देख सकते हो V स्क्वायर यहां पे भी चेक करो, V स्क्वायर इज प्रपो, अगर मैं स्क्वायरिंग करूं T रेज पावर 4/3, और यहां पे क्या आएगा बेटा v square is inversely proportional to p, यानी in your equation v square should be proportional to t raise power 4/3 and in your equation v square should be proportional to 1/p। तो आप देख सकते हो बेटा, क्लियर? तो v square should be proportional to t raise power 4/3, that is this v square is proportional to t raise power 4/3। अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट मानूं, अगर प्रेशर कांस्टेंट तो आएगा ना v square proportional to t raise power 4/3, और अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट मानूं, अब चेक करो, आएगा ना p inversely proportional to v square। तो सॉल्व किए बगैर ये फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर, आपको बस देखना है सेटिस्फाई कौन होगा। एनसीआरटी का सवाल है बेटा, चेक करेंगे, उसमें और दो पार्ट्स भी है बट वो आपको नहीं एग्जाम में पूछ सकता है, वो तो बस कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, मतलब क्या है उस चीज का, वो दो पार्ट्स मैंने यहां पे नहीं लिए। आपको दिया गया है यहां पे गरु पीवी बाई टी वर्सेस पी, तो पहले मुझे बताओ ये पीवी बाई टी किसके बराबर होता है? म्यू आर, बिकॉज पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। यानी आप बेटा अगर इन सबको बदलोगे भी, कुछ भी कर लो, इसका कुछ भी कर लो, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है अगर आइडियल गैस होता। यानी ग्राफ आएगा ये डॉटेड लाइन अगर आइडियल गैस है, अगर आइडियल गैस है तो ये डॉटेड लाइन आएगा, बिकॉज आप प्रेशर बदलो, आप वॉल्यूम बदलो, आप कुछ भी कर लो, टेम्परेचर बदलो, बट ये पीवी बाई टी का रेशो, पीवी का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टी, इट्स ऑलवेज इक्वल टू म्यू आर, इट्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी इसको आप कुछ भी कर लो, ये म्यू आर के बराबर ही आने वाला है। यानी अगर आप प्रेशर बदलोगे, कुछ भी करो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसे आएगा, यानी ये कॉन्स्टेंट रहने वाला है, ना ऊपर चढ़ेगा, बिकॉज ऊपर चढ़ा तो इंक्रीज, नीचे है तो डिक्रीज, नहीं इंक्रीज,
इंक्रीज होगा ना ये डिक्रीज होगा, ऑलवेज किसके बराबर, म्यू आर के बराबर आएगा। अब ये रियल दो गैसेस का डाला गया ग्राफ, वो ऐसा नहीं आया, यानी ये फिर आइडियल गैस नहीं था। अगर आइडियल होता तो ये डॉटेड वाला ग्राफ आता। अब आपको एग्जामिनर पूछ रहा है टी वन ज्यादा कि टी टू ज्यादा, इन करो में से द करो विच इज वेरी क्लोज टू आइडियल गैस करो, फिर बेटा उस वाले करो के लिए हमने टेम्परेचर ज्यादा रखा है, बिकॉज वी नो एट हाई टेम्परेचर रियल गैसेज बिहेव आइडियली। यानी ये वाला आप चेक करो, इट इज वेरी क्लोज टू आइडियल बिहेवियर, फिर इस वाले का टेम्परेचर ज्यादा, ये वाला इट हैज डिवेटेड मच फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी फिर एक टेम्परेचर कम होता, यानी टी वन जो है इट इज ग्रेटर देन टी टू। तो मैंने दोनों चीजें एक्सप्लेन करा दी। डॉटेड लाइन सिग्निफाई क्या करता है, ये सिग्निफाई करेगा ग्राफ फॉर आइडियल गैस। क्लियर, चलिए आगे। नाउ यहां पे बेटा दिया गया है, हमारे पास है वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट, इज कंटेन इन अ बॉक्स, वॉल्यूम दिया गया, टेम्परेचर दिया गया। अब आप क्या कर रहे हो, बॉक्स को बदले बगैर, मैंने पहले बोला वॉल्यूम तब तक नहीं बदलेगा जब तक कंटेनर चेंज नहीं करोगे। अब क्या एग्जाम्पल बोल रहा है, बेटा वॉल्यूम वही था, चेंज नहीं करना, टेम्परेचर पहले ये था, अब आपने इसको हीट कर दिया, टेम्परेचर पहले 300 केल्विन अब 3000 केल्विन, यानी टेम्परेचर 10 गुना आपने बढ़ा दिया, 10 टाइम्स बढ़ा दिया, एंड द गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी अब ये डिसोशिएट हुआ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, एच टू मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स होते थे, क्लियर, दे वर जॉइंड बाय बॉन्ड, सम बॉन्ड, केमिस्ट्री जानते हो आप, अब ये बॉन्ड ब्रेक होके अब ये अलग अलग एटम्स में बेटा डिवाइड हो गया। तो बताओ यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो पहले कुछ थे, अब नंबर ऑफ एटम्स की बात होगी, तो अगर पहले मॉलिक्यूल्स 4 थे, एटम्स तो 8 अब आएंगे, अगर पहले मॉलिक्यूल्स 10 थे, एटम्स तो अब 20 आएंगे, बिकॉज हर एक मॉलिक्यूल से दो दो एटम्स आ रहे हैं। अब एग्जामिनर बेटा क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रेशर फाइनल के साथ क्या होगा, बताओ बेटा प्रेशर जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बताओ क्या मैं इक्वेशन लिखूं, कैन आई राइट पी वी इज इक्वल टू, जबानी जबानी बोलूंगा म्यू आर टी, वी कॉन्स्टेंट, बताओ क्या म्यू, बताओ क्या म्यू के बदले में लिख सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोस नंबर, साथ में आर साथ में टी, चलो यहां पे मैं इक्वलिटी फिलहाल लिख रहा हूं आपके लिए, डिवाइड बाय वी। तो बताओ कौन कौन सा पैरामीटर चेंज हो रहा है, दैट एवोगाड्रोस नंबर इज कांस्टेंट, दैट वॉल्यूम इज बेटा कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, हां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं, है ना, डबल हो रहे हैं, तो बताओ क्या आएगा, पी इज प्रोपोर्शनल टू एम एंड टी, क्लियर। तो बताओ बेटा पहले अगर प्रेशर पी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन, टेम्परेचर टी, बाद में क्या होगा, बाद में आपने टेम्परेचर जो है 10 गुना बढ़ा दिया, राइट, और बेटा आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दो गुना, ये 10 गुना ये दो गुना, तो 20 गुना बढ़ेगा, तो 20 टाइम्स इनिशियल प्रेशर, अगर ये ना आए तो बताओ फाइनल प्रेशर क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू एन के बदले बोलो क्या आएगा 2n, बताओ टी के बदले क्या आएगा 10 टाइम्स टी। आप चेक करो पहला टेम्परेचर 300, अच्छा 300 ही लिख दो, ये 3000 लिख दो, ये तो वही हुआ बेटा 10 गुना बढ़ा दिया, तो अब जरा डिवाइड करो, या 3000 यहां लिखो वहां 300 लिखो, फिर भी रेशो में 10 ही आएगा, कर लो बेटा डिवाइड, बताओ पी डैश बाई पी क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, इक्वलिटी कटेगा बेटा यहां पे, इक्वलिटी साथ में कांस्टेंट कटेगा, एन एन भी कटेगा, टी टी भी कटेगा, ऊपर 20 आएगा, यानी ये 20 आया, यानी पी डैश इज इक्वल टू 20 टाइम्स पी, यानी प्रेशर 20 टाइम्स बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है द टेम्परेचर टी ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस वैरीज विद, तो ठीक है ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अब थोड़ा सा ये लेंथी आपको लग सकता है, बट हो सकता है इसी से इजी सवाल कोई और बना ले, ऐसे पैटर्न का पैटर्न देखो, पैटर्न अलग अलग मिल रहे हैं आपको, अब हर एक पैटर्न मैंने डिस्कस किया हो, आपने किससे भी पढ़ा हो आपको बहुत मजा आने वाला है, अगर आपने ये अच्छे से चैप्टर एक बार किया था, अब ये नई नई चीजें मिलने को यहां सीखने को मिल रही है। एग्जामिनर क्या बोल रहा है, टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन दिया गया, मैक्सिमम प्रेशर कब होगा, यानी आई नीड, समझना बेटा मेरी बात को, प्रेशर नॉट टेम्परेचर, क्लियर दिस प्रोसेस इज। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, कैन आई राइट पी इन टर्म्स ऑफ, या टी इन टर्म्स ऑफ पी, बताओ टी के बदले क्या आएगा, टी के बदले आएगा पी वी, है ना, डिवाइड बाय क्या आएगा म्यू आर, बिकॉज पी वी बाय म्यू आर इज इक्वल टू टी, इज इक्वल टू, यहां पे करेक्शन है आई थिंक, यहां पे आई थिंक करेक्शन है इसमें, गिव मी अ सेकंड, मैं चेक कर देता हूं ये सवाल पहले,
आई थिंक यहाँ करेक्शन है, कुछ फैक्टर्स मिसिंग है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ यहाँ पे माइनस अल्फा है, माइनस अल्फा वी क्यूब मैं लिख रहा हूं, लेशन माइनस अल्फा वी क्यूब प्लस बीटा वी स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन। मैक्सिमम प्रेशर निकालना है तो टी के बल्ले बेटा क्या आएगा, टी के बल्ले आएगा पी वी बाई म्यू आर इज इक्वल टू 1 मोल दिया गया है, तो आप यहां पे म्यू के बदले 1 भी लिख सकते हो, म्यू के बदले 1, तो पी वी बाई आर माइनस अल्फा वी स्क्वायर प्लस बीटा वी स्क्वायर, ये एक वी एक वी एक वी, यहाँ पे क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, ये कट गया, ये आर वहां जाएगा, तो पी किसके बराबर आया, पी बराबर आया माइनस अल्फा वी स्क्वायर आर प्लस बीटा आर इंटू वी, ये मिल गया रिलेशन, उतना लंबा नहीं है, मिल गया बेटा बस। ना फॉर मैक्सिमम प्रेशर, किसी भी क्वांटिटी का मैक्सिमा अगर निकालना है तो पहले देखो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पी डिपेंड्स ऑन वी, फॉर मैक्सिमा इस पी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वी शुड बी जीरो, यानी आपका डी पी बाई डी वी शुड बी इक्वल टू जीरो, करो डिफरेंशिएशन, बताओ इसका क्या आएगा, जबानी जबानी कर दो, इसका आएगा माइनस टू अल्फा वी आर, माइनस टू अल्फा वी आर, इसका क्या आएगा बेटा प्लस बीटा आर इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस टर्म वहां ले जाओ तो बताओ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टू अल्फा वी आर इज इक्वल टू बीटा आर, तो आपका ये यहां पे आर आर कटेगा तो आपको मिलेगा वी किसके बराबर आया, वी बराबर आएगा बीटा डिवाइडेड बाई टू अल्फा, तो इस वॉल्यूम पे प्रेशर मैक्सिमम आएगा दैट इज बीटा डिवाइडेड बाय टू अल्फा, अब ये इसमें डालो प्रेशर मिल जाएगा, तो प्रेशर बराबर आएगा माइनस अल्फा वी स्क्वायर के बदले आएगा बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर अल्फा, और यहां पे आर आएगा प्लस बीटा आर, और वी के बदले आएगा बीटा डिवाइडेड बाय टू अल्फा, तो यहां पे अल्फा स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर करना है बीटा स्क्वायर फोर अल्फा स्क्वायर, ये एक अल्फा कट गया, यहां पे बताओ ऊपर क्या आया, तो ऊपर आया तो थोड़ा सा यहां लिख देता हूं मैं माइनस बीटा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय फोर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टू अल्फा, बीटा स्क्वायर आर बाई टू अल्फा कॉमन निकालो तो यह आएगा बीटा स्क्वायर आर डिवाइड बाई फोर अल्फा, चेक करो मैंने कैलकुलेशन किया, ये आधा मान लो ये आधा बीटा, ये है ना आधा बीटा स्क्वायर आर बाई अल्फा, ये एक चौथाई, आधे में से एक चौथाई निकालो एक चौथाई बचेगा तो यह आएगा बीटा स्क्वायर आर बाई फोर अल्फा, बीटा स्क्वायर आर बाई फोर अल्फा, दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे एग्जामिनर क्या बोल रहा है बेटा, एग्जामिनर बोल रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, एग्जामिनर यहां पे बोल रहा है आपके पास एक रबर बलून है कंटेन्स 1 मोल एन इन्फ्लेटेड इन्फ्लेटेड रबर बैलून कंटेन्स 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैज प्रेशर पी, 1 मोल दिया गया, वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी, इफ द टेम्परेचर राइजेस टू, यानी फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर जो है दैट इज टी, फाइनल टेम्परेचर इज, ये बोल रहा है 1.1 टी, इनिशियल वॉल्यूम जो है दैट इज वी बट फाइनल वॉल्यूम इज 1.05 वी, अगर मैं बोलूं इनिशियल प्रेशर जो है दैट इज पी, बताओ फाइनल प्रेशर किसके बराबर आएगा, तो बेटा यहां पे 1 मोल था ठीक है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो पी वन वी वन डिवाइडेड बाई ठीक है ना टी वन, या आप ऐसे इक्वेशन एक ही लिखा करो पी वन वी वन डिवाइड बाई म्यू वन टी वन, ये तो आर आएगा इज इक्वल टू पी टू वी टू डिवाइड बाई म्यू टू टी टू, ये भी तो आर आएगा
यानी इक्वेट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू। नाउ वैल्यूज डालते हैं, पी वन के बदले पी डालो, वी वन के बदले बेटा डाल दो वैल्यू, वी वन के बदले वी डालो, पी टू मुझे चाहिए, वी टू के बदले 1.05 वी डालो, सॉल्व करिए, वी टू का वैल्यू मिलेगा, आंसर आएगा 1 पॉइंट, आपको फाइनल प्रेशर मिलेगा 1.05 पी, यानी इट इज बिटवीन पी एंड 1.1 पी। तो आप ये खुद सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एक सेकंड। आई हॉस ये वाला सवाल भी बेटा आप एचसीईआरटी एग्जाम्पलर इजी है, खुद करोगे आप, मैं बस हिंट दूंगा कैसे करना है। एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, आपको एन निकालना है, एयर मॉलिक्यूल्स सब गैसेस का मिला के, इन्हें रूम ऑफ कैपेसिटी वॉल्यूम दिया गया है, टेम्परेचर भी दिया गया, प्रेशर भी दिया गया, तो आपको क्या निकालना है बेटा एन। तो एन निकालने के लिए पी वी इज इक्वल टू एन के टी, वेयर के इज बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट, 1.3 × 10⁻²⁰ जूल्स पर मोल। नाउ यहां पे प्रेशर दिया गया, मुझे क्या निकालना है बेटा एन, तो एन बराबर आएगा पी वी डिवाइडेड बाई के टी, सबस्टिट्यूट द वैल्यूज, पी के बदले क्या डालोगे आप, 1 एटमोस्फियर, 1 एटमोस्फियर मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1 × 10⁵, वी के बदले बेटा क्या दिया गया 25, इट्स एसआई सिस्टम क्यूबिमीटर तो ऐसे ही आएगा, के बदले 1.38 × 10⁻², टेम्परेचर के बदले 27 + 273, तो यहाँ पे 300 आएगा, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, सॉरी। तो ये सॉल्व करिए एंड गेट द आंसर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अनसॉल्वड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नाउ एग्जामिनर क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। देखिए आपको एक और पॉइंट मैं बोल देता हूं, एड नोट, जो गैस लॉज है, ऑल गैस लॉज एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, दैट इज पी वी इज इक्वल टू ब्यू आर टी, या पी वी इज इक्वल टू एन के टी, या पी इज इक्वल टू रो आर टी बाई मोलर मास, इक्वेशन ऑफ स्टेट, कोई भी गैस लॉ हो या इक्वेशन ऑफ स्टेट हो, ठीक है ना, कैन बी अप्लाइड या इज वैलिड ओनली व्हेन इज वैलिड ओनली व्हेन क्वांटिटी ऑफ गैस इज फिक्स्ड, क्वांटिटी ऑफ गैस इज फिक्स्ड, दैट इज म्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। During the process, ये भी एक पॉइंट ऐड कर दो, also during the process they are not valid, यानी initially आप लगा सकते हो गैस लॉज, finally भी आप लगा सकते हो, but process के दौरान आप नहीं लगा सकते हो गैस लॉज, remember this point। दो चीजें याद रखना, या तो आपका मोलर अमाउंट या क्वांटिटी फिक्स होना चाहिए तब लगा पाओगे, और ड्यूरिंग द प्रोसेस, समझना बेटा मेरी बात को, यू कैन नॉट अप्लाई गैस लॉस, ओनली इनिशियली एंड फाइनली आप लगा सकते हो। अब ये एग्जामिनर क्या बोल, व्हेन एयर इज पंप्ड इनटू साइकिल टायर, बिल्कुल, द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द एयर इन द टायर बोथ आर इंक्रीज्ड, क्या बोल रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द एयर इन द टायर, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, प्रेशर भी इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, आर इंक्रीज्ड। व्हाट अबाउट बॉयलर्स लॉ इन दिस केस, बॉयलर्स लॉ, ठीक है ना बेटा, बॉयलर्स लॉ यहां पे वैलिड नहीं है, वैलिड क्यों नहीं है, बिकॉज जब आप गैस यहां पे ब्लो कर रहे हो या गैस साइकिल पंप से इसमें अंदर भर रहे हो, मोलर क्वांटिटी यहां पे चेंज हो रही है, क्लियर, तो आप ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द पंपिंग नहीं लगा सकते हो यहां पे कोई भी गैस लॉ, तो यहां पे बॉयलर्स लॉ जो है इन दिस केस नॉट वैलिड। और बॉयलर्स लॉ में होता भी क्या है, जरा याद करिए, ठीक है ना,
बॉयलर्स लॉ में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है ना, और इसमें क्या आता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहां पे क्या बुरा था, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द एयर इन द टायर बोथ आर इंक्रीज्ड। व्हेन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो उस हिसाब से भी बॉयलर्स लॉ यहां पर नहीं लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर्स कंटेन्स आइडियल गैस एट 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस। द गैस इज अलाउड टू लीक टिल द प्रेशर फॉल्स टू 2 एटमॉस्फेयर्स। कैलकुलेट द मोल्स लीक्ड, इफ आपको बताना है कितने मोल्स लीक हुए। अगर आपने बेटा यहां गैस को लीक करवाया, क्या उससे वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम फिर भी वही रहने वाला है जो पहले वेसल का वॉल्यूम था। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, चलो इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलो क्या लिखोगे, P1V1 डिवाइडेड बाई μ1T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइड बाई μ2T2, बिकॉज ये रेशो भी आर के बराबर, ये रेशो भी आर के बराबर। अब जो पैरामीटर्स इक्वल होते हैं उनको नेगलेक्ट करिए आप। ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर्स कंटेन्स आइडियल गैस एट 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी P1 दिया गया है, ठीक है ना, एट T1 भी दिया गया है, टेम्परेचर 1 भी दिया गया। द गैस इज अलाउड टू लीक टिल द प्रेशर फॉल्स, तो ये आपका दिया गया P2। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लीक्ड, ए पहला है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो पहले वाले केस में ये तो होगा ही होगा, V1 इज इक्वल टू V2 बिकॉज हमने वेसल चेंज नहीं किया। पहले पार्ट में बेटा क्या आएगा, T1 इज इक्वल टू T2, यानी V1 V2 T1 T2 कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। P1 के बदले 5 एटमॉस्फियर, μ1 के बदले में क्या ले रहा हूं, चलो मैं वहां पे, यहां पे कुछ दिया था इसने, द गैस इज अलाउड मॉलिक्यूल्स 10 लीटर्स कंटेन्स आइडियल गैस, ठीक है, तो चलो पहले इनिशियल मोल्स में मानता हूं म्यू, क्लियर। तो बताओ बेटा फाइनल प्रेशर क्या आएगा, फाइनल प्रेशर इज 2 एटमॉस्फियर्स डिवाइड बाय μ2, मैं यहां पे μ2 ही रख रहा हूं, तो आप μ2 यहां पे निकालिए, तो बताओ बेटा μ2 किसके बराबर आएगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा मैंने, तो μ2 बराबर आएगा 2/5 इंटू म्यू, राइट, 2/5 कितना होगा, दैट इज 0.4 म्यू, ये μ2 आएगा, तो इसका मतलब फाइनली आपके पास कितने मोल्स बचे, 0.4 मोल्स बचे, इसका मतलब फिर लीक कितने हुए, मोल्स लीक्ड, कितने मोल्स लीक हुए, पहले कितने थे बेटा, पहले म्यू थे, बाद में कितने बचे, 0.4 म्यू, तो इसका मतलब निकले कितने, 0.6 म्यू मोल्स लीक हुए, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स अगर मैं बोलूं कितने लीक हुए, अब यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल्स के बदले आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना, यहां पे तो पहले मैं मोल्स के बदले यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, तो यहां पे बेटा इतने जीरो, अगर पहले मेरे पास n मॉलिक्यूल्स थे, बाद में मेरे पास 0.6 n मॉलिक्यूल्स ही बचेंगे सिमिलरली। अब दूसरा केस एग्जामिनर क्या बोल रहा है, फाइनल टेम्परेचर बिकम्स, अब दूसरे वाले केस में T1 T2 बराबर नहीं आएगा, तो दूसरे वाले केस में क्या आएगा, इनिशियल टेम्परेचर 27 यानी 300, फाइनल इज 400 केल्विन, तो दूसरे केस में यहां पे मैं स्लाइड ऐड करूंगा, तो पहले कैट प्रेशर फिर से इक्वेशन P1V1 डिवाइड बाई μ1T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइड बाई μ2T2, पहले प्रेशर 5 एटमोस्फियर V1V2 अगेन बराबर, बाद में प्रेशर 2 एटमोस्फियर, पहले नंबर ऑफ मोल्स म्यू, पहले टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज 300 केल्विन, एंड बाद में नंबर ऑफ मोल्स μ2, बाद में इट्स 400 केल्विन टेम्परेचर। ये दो जीरो, दो जीरो कट गए, 2 1s are 2 2s are, ये वहां चला जाएगा, तो ये आएगा 10, या ऐसे में कर दूं, ये ऊपर चला जाएगा, μ2 मुझे चाहिए, तो μ2 बराबर आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, म्यू बनेगा, ठीक है बेटा, ये म्यू ऊपर बनेगा, ये 3 भी ऊपर जाएगा, डिवाइड बाई ये 3 ऊपर गया, डिवाइड बाय 5 2s are 10, यानी ये 0.3 मोल्स ही आएंगे, तो बचे 0.3 मोल्स, फिर लीक कितने हुए, 0.7 मोल्स, तो मोल्स लीक्ड बचे अगर 0.3 मोल्स है, तो ठीक है म्यू है, तो लीक कितना हुआ बेटा, 0.7 म्यू, या म्यू माइनस 0.3 म्यू कर दो, दैट इज 0.7 म्यू।
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जामिनर क्या बोल रहा है, ऑल, यहां पे सवाल नहीं है, यही मैंने वो पॉइंट जो आपको बोला था, ये ऑल गैस लॉज एंड इक्वेशंस ऑफ स्टेट इज वैलिड व्हेन मोलर अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस द लीकेज ऑफ गैस, लीकेज हो रहा हो, इक्वेशन ऑफ स्टेट इज नॉट वैलिड, वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ स्टेट इनिशियली एंड फाइनली ओनली एंड, ठीक है ना, सेम इज एप्लीकेबल एंड सेम इज एप्लीकेबल टू गैस लॉज, गैस लॉज हो या इक्वेशन ऑफ स्टेट हो, दे आर ओनली वैलिड वेन मोलर अमाउंट इज कॉन्स्टेंट, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस दे आर नॉट वैलिड। अब बेटा गैस लॉज, तीन गैस लॉज हमारे पास है, पहले हम यहां पे बोलेंगे चार्ल्स लॉ, पीवीटी के हिसाब से हम याद रखेंगे पीवीटी, प्रेशर पहले कांस्टेंट, फिर वॉल्यूम, फिर बाद में टेम्परेचर। प्रेशर कांस्टेंट यहां पे होता है तो वहां पे हम जो लॉ बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम कांस्टेंट तो गे लुसेक लॉ, और टेम्परेचर कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ। अब यहां पे देखो ये आपने पढ़ा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है ये आपको पता होगा बेटा, ठीक है ना, यहां पे मास, मोलर मास, कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर, ये आपको पता होगा। तो यहां पे इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बनेगा, तो PV is equal to mu RT, अगर प्रेशर कांस्टेंट तो V is directly proportional to T, या वॉल्यूम कांस्टेंट तो P is directly proportional to T, या टेम्परेचर तो P is inversely proportional to V, तो ये आपको पता होना चाहिए, रॉकेट साइंस नहीं है, तो ठीक है, तो ये इक्वेशंस भी आपको पता होगा। हिडन कंडीशंस क्या क्या है, तो ये हिडन कंडीशंस के लिए यहां देखिए एग्जाम्पल, हिडन लैंग्वेज में क्या बोलेगा, या तो वो बोलेगा यहां पे पहले हम क्या बोल रहे हैं बेटा, पहले प्रेशर कांस्टेंट, ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर है तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर एग्जामिनर बोले ओपन कंटेनर तो प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर एग्जामिनर बोले क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर या पिस्टन इज फिक्स्ड रिजिड, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, राइट। इसका एक और नाम है आइसोमेट्रिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका एक और नाम ये तो पता होगा आइसोबारिक। यहां पे एक और भी एग्जाम्पल बोलेगा फ्रीली मूविंग पिस्टन, अगर पिस्टन फ्रीली मूविंग है, ये पिस्टन हमेशा ऐसे मूव करेगा, एडजस्ट ऐसे अपनी पोजीशन करेगा ताकि अंदर और बाहर प्रेशर क्या रहे, बराबर रहे, यानी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा अगर पिस्टन जो है मूवेबल है। तो पहले अगर आपने एक चैम्बर लिया जिसमें गैस है, पिस्टन मूवेबल है, अगर अंदर कुछ प्रेशर है, अगर आप हीट भी दोगे, टेम्परेचर भी बढ़ाओगे, ये पिस्टन ऐसे खुद एडजस्ट करेगा ताकि अगेन बाहर और अंदर प्रेशर बराबर रहे, यानी पहले भी बाहर और अंदर बराबर प्रेशर था, बाद में भी बाहर और अंदर प्रेशर बराबर रहेगा, तो यानी इसका मतलब प्रेशर चेंज नहीं हुआ, नहीं आई बात समझ। तो अगर बाहर पहले प्रेशर था 1 एटमोस्फियर, अंदर भी तो 1 एटमोस्फियर होगा ना, तभी तो पिस्टन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज प्रेशर डिफरेंस क्रिएट्स फोर्स, ये पिस्टन है, अंदर भी 1 एटमॉस्फेयर, बाहर भी 1 एटमॉस्फेयर। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा भी दूं 2 मिनट के लिए, पिस्टन ऊपर चढ़ेगा, ये पिस्टन इसलिए ऊपर चढ़ेगा बाहर तो वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ताकि अगेन अंदर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहे, और अब जिस जगह यह रहेगा वहां पर इस पर नेट फोर्स 0 आएगा, यानी देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस, यानी बाहर और अंदर प्रेशर सेम आएगा, यानी जब भी फ्रीली मूविंग पिस्टन हो प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, बट जब फिक्स पिस्टन हो तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यहां पे एग्जामिनर क्या बोलेगा बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेगा, राइट, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेगा, नॉट आइसोमेट्रिक, थर्मल इक्विलिब्रियम भी एग्जामिनर बोलेगा। ये कुछ हिडन कंडीशंस हैं। अब यहां पे सवाल देखो कैसे कैसे बन सकता है, तो पहला एग्जामिनर यहां बोलेगा प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है बताओ इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या आएगा, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो PV is equal to mu RT, तो V किसके बराबर आएगा, V बराबर आएगा mu R by P into T आएगा, because PV is equal to mu RT। अब मैंने ग्राफ डाला है Y और T के बीच में, सॉरी V और T के बीच में, यानी along Y axis मैंने V रखा है, along X axis मैंने T रखा है, तो ये मेरा Y हुआ, ये मेरा X हुआ, तो बेटा ये मेरा m यानी स्लोप हुआ, यानी स्लोप जो है आप चेक कर सकते हो, स्लोप यहां पे आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी अगर एक करो ऐसा दूसरा करो ऐसा आया, इस करो में स्लोप ज्यादा तो प्रेशर कम, इस करो में स्लोप कम तो प्रेशर बेटा फिर ज्यादा होगा, तो यहां पे आप ये सब देख सकते हो। तो ये आएगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आप चेक कर सकते हो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जब वॉल्यूम कांस्टेंट तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जब भी डायरेक्ट रिलेशन आएगा ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट यहां पे स्लोप क्या आएगा चेक करो, P इज इक्वल टू म्यू आर टी, यहां पे म्यू आर बाय V इनटू T, ये Y आपका, ये X आपका, ये आपका M, यानी यहां पे स्लोप जो आएगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यहां पे
यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो बता बेटा फिर क्या आएगा, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। रिमेंबर चाहे वी का पावर प्लस प्लस ओनली प्लस प्लस कुछ भी आए, वन आए, वन से ज्यादा ज्यादा, प्लस ग्रेटर देन वन, पावर जो है, चलो ऐसे कर देता हूं, ये पॉइंट याद रखना बेटा, जब ऐसा आए प्लस पावर प्लस ग्रेटर देन वन बोल दो, या आप ऐसे बोलो ओनली पावर प्लस, वन से ज्यादा जरूरी नहीं है, प्लस में बोल देता हूं। अगर यहां पे आया ऐसे पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी या वाइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स और नीचे पावर प्लस आया, हमेशा ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फर्क बस स्लोप्स में आएगा, तो ऐसे हाइपरबोला, पैराबोला कभी नहीं आएगा, पैराबोला इज लाइक दिस, पैराबोला इज लाइक दिस, वो कभी नहीं आएगा, उस पर सवाल थर्मोडाइनेमिक्स पे बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्लियर। आगे बहुत सारी चीजें और मैं इनमें ऐड करूंगा। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पे आपको सवाल दिया गया दो अलग अलग प्रेशर्स पे ग्राफ्स, मैंने अभी बोला आप चेक कर सकते हो, स्लोप जो आया स्लोप किसके बराबर आया, v इज इक्वल टू, फिर से दिखा देता हूं, v इज इक्वल टू म्यू आर बाई पी इंटू टी, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इफ स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, स्लोप ज्यादा तो प्रेशर कम, इस वाले का स्लोप ज्यादा वी टी ग्राफ, इस वाले का स्लोप ज्यादा, क्लियर। आपको स्लोप मेजर करना है बेटा किसके साथ, एंगल मेजर करना है टी एक्सिस के साथ, तो इस वाले का टी एक्सिस के साथ एंगल ज्यादा यानी स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा तो ये वाला प्रेशर कम, इस वाले का स्लोप कम टी एक्सिस के साथ एंगल कम स्लोप कम तो प्रेशर आएगा बेटा ज्यादा, यानी पी टू इज ग्रेटर देन पी वन। रिमेंबर रिमेंबर बेटा हमेशा आपको एंगल किसके साथ देखना है, टी एक्सिस के साथ, यहां पे भी टी एक्सिस के साथ, यहां पे मैंने उल्टा कर दिया, यहां पे आपको दिया गया बेटा टी पी ग्राफ, पीटी नहीं टीपी ग्राफ, तो अभी आपने देखा स्लोप किसके बराबर, स्लोप याद करो बेटा पी किसके बराबर आया था, म्यू आर डिवाइडेड बाय वी और यहां पे टी, यानी स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बट व्हेन यू आर मेजरिंग एंगल विद टी एक्सिस, अब टी यहां से आया तो इसके साथ एंगल मेजर करो, तो बेटा अब चेक करो इस वाले का टी के साथ ज्यादा एंगल आया, इस वाले का स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा इसका, इस वाले का फिर स्लोप कम आया, बिकॉज टी एक्सिस के साथ देख रहे हैं, स्लोप कम तो बेटा फिर वॉल्यूम ज्यादा, स्लोप कम तो फिर वॉल्यूम ज्यादा, इसका मतलब इसका स्लोप बेटा ज्यादा आया, वॉल्यूम कम, इस वाले का स्लोप कम तो वॉल्यूम ज्यादा, तो वी वन इज ग्रेटर देन वी टू आया। अब यहां पर रिमेंबर हमेशा जब भी आप ग्राफ डालोगे बॉयलर्स लॉ में, प्रेशर वॉल्यूम कर्व डालोगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हमेशा ये आएंगे पैरेलल कर्व्स, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, टू आइसोथर्म्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, आगे थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में ये बोलूंगा। अब अगर आपको दो अलग अलग कर्व्स दिए गए हैं, आपको बोलना है बेटा ये अलग टेम्परेचर टी वन पे डाला गया, ये अलग टेम्परेचर टी टू पे डाला गया, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में मैंने टेम्परेचर सेम रखा हो लेकिन क्वांटिटी मैंने गैस का चेंज किया हो, ठीक है ना, क्वांटिटी अलग अलग लिया था, टेम्परेचर सेम रखा था। नाउ अब एग्जामिनर पूछ रहा है टी वन ज्यादा कि टी टू ज्यादा, रिमेंबर जितना आप ऊपर चढ़ोगे ना उतना टेम्परेचर ज्यादा या क्वांटिटी ज्यादा, क्लियर, जितना आप ऊपर चढ़ोगे तो बताओ बेटा ऊपर चढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर टी टू ज्यादा टी वन से। अब देखो कैसे करना, कैसे समझिए, आप एक काम करो, आप इन दो कर्व्स पे एक ऐसे दो पॉइंट्स लो जिनके लिए ये P और V में से एक क्वांटिटी आप फिक्स कर रहे हो, तो मैंने बेटा ये दो पॉइंट्स लिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो आप चेक कर सकते हो इन दोनों के लिए प्रेशर का वैल्यू क्या है, सेम, तो प्रेशर इज सेम, यू नो दैट व्हेन प्रेशर इज सेम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये तब आएगा बेटा व्हेन प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, तो क्या मैंने इन दो पॉइंट्स के लिए फॉर A एंड B, क्या ए एंड बी के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, बिल्कुल प्रेशर कांस्टेंट है, तो फॉर ए एंड बी बोलो क्या आएगा, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो बताओ अब बेटा वी ए के लिए ज्यादा कि वी बी के लिए ज्यादा, चेक करो यहां जितना ज्यादा जाओगे वॉल्यूम ज्यादा, यानी वॉल्यूम एट बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एट ए, वॉल्यूम एट बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एट ए, अगर वॉल्यूम ज्यादा फिर टेम्परेचर भी ज्यादा, टेम्परेचर एट बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट ए, बट यहां पे या यहां पे या यहां पे या यहां पे हर जगह टेम्परेचर टी टू है, यानी टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, टी टू इज ग्रेटर देन टी वन। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल दिया गया बेटा वी बाई टी वर्सेज वी और टी,
तो बताओ वी बाई टी किसके बराबर होता है? तो पहले मुझे बताइए वी बाई टी, क्या वी बाई टी बराबर आएगा म्यू आर डिवाइडेड बाई पी? चेक करो बेटा, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। एग्जामिनर क्या बोल रहा है, वी बाई टी वर्सेस वी आर टी। क्या ये वी बाई टी, क्या ये वी बाई टी वी या टी पे डिपेंड करता है? ये वी बाई टी आप चेक करो बेटा, ये तो कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये वी बाई टी आप चेक करो बेटा, ये किस पे डिपेंड करता है? पी पे डिपेंड करता है, वी और टी पे ये डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर आप ग्राफ डालोगे ना, ये ग्राफ ऊपर चढ़ेगा ना ये नीचे आएगा, चाहे वी बदलो चाहे टी बदलो, बिकॉज अगर आप वी बढ़ाओगे प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, वी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज वी बाई टी कांस्टेंट, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर वी बाई टी कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट है ना। अगर आप वी बढ़ाओगे फिर बेटा टी भी बढ़ेगा, बिकॉज कॉन्स्टेंट ये रेशो आ रहा है। अगर वी घटाओगे तो टी भी घटेगा, बिकॉज रेशो कॉन्स्टेंट है, ये ना ऊपर जाएगा ना करो नीचे आएगा। इसका मतलब ग्राफ बेटा सीधे ऐसे आएगा, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। चलो यहां पे पी बाई टी वर्सेज पी और टी, पी बाई टी किसके बराबर होता है? पी बाई टी क्या वो नहीं आएगा म्यू आर बाई वी? अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो बताओ फिर पी बाई टी क्या आएगा? कॉन्स्टेंट। ऊपर बढ़ाओ तो फिर नीचे भी बढ़ेगा, बिकॉज रेशो कांस्टेंट रहना है। ऊपर घटाओ तो फिर नीचे भी घटेगा, या ना ये ग्राफ ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, स्ट्रेट आएगा, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। पीवी वर्सेस पी, बताओ बेटा पीवी, ठीक है ना, इसमें तो प्रेशर कांस्टेंट होता ही है ना, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसमें क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। बताओ नाउ पीवी किसके बराबर होता है? म्यू आर टी, एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो बताओ फिर पीवी क्या आएगा? कांस्टेंट, नहीं ये ऊपर जाएगा नहीं ये नीचे आएगा। अगर बेटा पी बढ़ा दिया तो फिर वी घटता है, हमें पता है, बिकॉज पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पीवी का मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट आएगा, नहीं ये ग्राफ ऊपर जाएगा नहीं ये नीचे जाएगा, सीधे ऐसे आएगा। आगे बढ़ते हैं, नाउ वी वर्सेज वन बाई टी, इसमें क्या होता है प्रेशर कॉन्स्टेंट। वी वर्सेज वन बाई टी, तो वी और वन बाई टी के बीच में रिलेशन, बता बेटा वी बाई टी किसके बराबर आएगा? म्यू आर डिवाइडेड बाई पी, बिकॉज पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। नाउ ये आप पढ़ रहे हो बेटा चार्ज ला, प्रेशर तो कांस्टेंट है, यानी आप मुझे बताओ आपका एग्जामिनर क्या बोलेगा फिर, ये सब तो कांस्टेंट है, यानी वी बाई टी जो है दैट इज अ कांस्टेंट, लिखा है मैंने यहां पे v वर्सेस 1 बाई टी के बीच में ग्राफ। तो क्या मैं लिखूं बेटा यहां पे v आया प्रोपोर्शनल टू t? बिल्कुल है। क्या मैं लिख सकता हूं v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई 1 बाई टी? ये t फिर से ऊपर जाएगा, यानी v इज प्रोपोर्शनल टू t। अब ये मेरा y है, एक वेरिएबल v है, एक और वेरिएबल 1 बाई टी है, तो ये x आया। Now, y और x के बीच में ग्राफ आप चेक करो, y is inversely proportional to x, तो रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला ये ग्राफ आएगा। p versus 1 by t, और यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट, बिकॉज आप पढ़ रहे हो गे-लुसेक लॉ। तो बताओ p by t किसके बराबर होता है? म्यू आर बाई v, यानी v तो कांस्टेंट है, यानी राइट हैंड साइड तो कांस्टेंट है, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी p इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई 1 बाई टी। ये मेरा y और ये 1 बाई टी, तो x आया, यानी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। p वर्सेस 1 बाई वी, ये कौन सा बेटा आ रहा है? ये तो आपका आ रहा है बॉयलर्स लॉ, इसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, इस वाले में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, तो इस वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फिर पी वी इज अ कांस्टेंट, राइट? हमें क्या डालना है? पी वर्सेस 1 बाई वी, तो ये यहां ले जाओ, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अब ये पूरा वेरिएबल पी है वाई, और ये 1 बाई वी पूरा वेरिएबल एक्स है। अब v v के विद रेस्पेक्ट ग्राफ नहीं डालना है, 1 बाई v के विद रेस्पेक्ट डालना है, तो यानी y इज प्रोपोर्शनल टू x, इफ y इज प्रोपोर्शनल टू x तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजन, तो ये वाला ग्राफ आने वाला है अलग अलग लॉज में। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, ठीक है ना, ये कौन सा हम पढ़ रहे हैं बेटा? यहां पे अब यहां पे दिया गया था आपको कौन सा, ये था चार्ज ला, प्रेशर वाज कांस्टेंट, बट अब यहां पे चार्ज ला वाला ग्राफ नहीं आया, दिया गया है वीटी ग्राफ, आपको बताना है पी वन और पी टू के बीच में रिलेशन। सिमिलरली वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा बेटा, वी टी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजन इफ प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं यहां पे ये देखिए, गिव मी अ सेकंड, देखो बेटा, अगर मैं ये वाला करू डालू स्ट्रेट लाइन, यहां पे प्रेशर कितना पी वन, फिर यहां पे भी कितना आएगा पी वन, यहां पे भी कितना आएगा पी वन, यानी थ्रू आउट दिस करू ये पी वन प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा। बिकॉज व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट तब जाके वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, एंड वी एंड पी टी के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजन। अगर यहां पे बेटा पी टू ये पॉइंट करूं, यहां पे अब देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, इस पूरे करू पे प्रेशर पी टू अगर मैं कांस्टेंट मानू तभी जाके ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ऑरिजन। अब मुझे बताओ बेटा, आपको पता है पी टी यहां पे वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब आता है? वी इज इक्वल टू म्यू आर बाई पी मल्टीप्लाइड बाई टी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब जाके वी इज प्रोपोर्शनल टू टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजन। तो जरा चेक करो, ये आपका स्लोप आया, स्लोप आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस वाले का स्लोप कम तो ये प्रेशर ज्यादा, इस वाले का स्लोप ज्यादा तो ये प्रेशर कम आएगा, यानी पी टू जो आया इज ग्रेटर देन पी वन, पी टू इज ग्रेटर देन पी वन। सिमिलरली यहां पे पी और टी के बीच में ग्रैप, तो अब अगर मैं यहां पे देखिए बेटा, अगर मैं यहां पे ऐसे देखूं, बताओ क्या कभी पी टी ग्रैप स्ट्रेट लाइन आता है? बिल्कुल, पी इज इक्वल टू म्यू आर बाई वी मल्टीप्लाइड बाई टी, यानी पी इज प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। यानी ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तब, ये स्ट्रेट लाइन तब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता। अगर इस पॉइंट पे वॉल्यूम वी वन, फिर यहां पे भी वी वन, यहां पे भी वी वन, इस पूरे ग्राफ के लिए वॉल्यूम वी वन कांस्टेंट। अगर यहां पे वी टू, फिर यहां पे भी वी टू, यहां पे भी वी टू, इस पूरे के लिए वी टू वॉल्यूम कांस्टेंट। अब मुझे बताओ स्लोप जो आया, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। इस वाले का स्लोप कम तो वॉल्यूम ज्यादा, इस वाले का स्लोप ज्यादा तो वॉल्यूम बेटा कम आएगा। सिंपल है, स्लोप आपको आना चाहिए कैलकुलेट करना, स्लोप कम तो वॉल्यूम ज्यादा, यानी वी वन इज ग्रेटर देन वी टू इस वाले का। नाउ यहां पे दिया गया पीवी ग्राफ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो बताओ बेटा पीवी ग्राफ कैसा आता है? रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला आता है। तो बताओ बेटा ये ग्राफ क्या ऐसा नहीं आता? ये देखिए, चलो अगर मैं आइसोथर्मस डालूं, ये एक इस एग्जाम्पल में इसमें बोया है, चलो मैं बोल देता हूं इमेजिन एज्यूम टी वन इज इक्वल टू टी टू। आपको बताना है टी थ्री टेम्परेचर किसके बराबर? इस क्वेश्चन में टी वन इज इक्वल टू टी टू, बताओ टी थ्री, टी टू एंड टी वन के बीच में रिलेशन, ये सवाल मैं बना रहा हूं। अब बेटा मैंने एक यहां पे आइसोथर्म डाला, चेक करिए, ऐसा इसमें दो टाइप्स के सवाल बन सकते हैं लाइक दिस। देखिए नाउ, ये एक आइसोथर्म मैंने डाला, ये एक और आइसोथर्म मैंने डाला। मैंने आपको पहले बोला जितना आप ऊपर ऊपर चढ़ोगे टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, इन सब पे टेम्परेचर बराबर है, टी वन टी वन टी वन, और इन सब पे टेम्परेचर बराबर है, सपोज टी डैश टी डैश टी डैश टी डैश। और जब आप ऊपर चढ़ते हो यानी टी डैश इज ग्रेटर देन, बेटा क्या आएगा? टी डैश इज ग्रेटर देन टी वन। अच्छा, एक और आइसोथर्म अगर मैं यहां पे डालूं, अगर इस पूरे आइसोथर्म के लिए टेम्परेचर टी डबल डैश, यानी यहां हर एक जगह टेम्परेचर आएगा टी डबल डैश, क्लियर। और फिर यहां एक और आइसोथर्म डालूंगा और इसके लिए टेम्परेचर टी थ्री, तो बताओ बेटा ये पूरे आइसोथर्म का टेम्परेचर सेम, यहां टी वन रखा, यहां टी टू, तो बराबर है, टी वन इज इक्वल टू टी टू।
अब बताओ ये पॉइंट, ये तो हायर आइसोथर्म पे आया, जितना ऊपर ऊपर आइसोथर्म आता है टेम्परेचर बढ़ता है, यानी T3 आएगा इन दोनों से ज्यादा, ये दोनों आपस में बराबर, और ये T3 आएगा इन दोनों से ज्यादा। एक और सवाल भी एग्जामिनर बोल सकता है, बताओ इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जब जाओगे, बताओ बेटा व्हाट इज हैपनिंग टू टेम्परेचर, जब आप यहां से यहां तक जा रहे हो व्हाट इज हैपनिंग टू टेम्परेचर, चेक करो, पहले ये पॉइंट आया फिर ये पॉइंट आया, क्या ये हायर आइसोथर्म पे आया, बिल्कुल, फिर ये पॉइंट आया, क्या ये एक और हायर आइसोथर्म पे आया, बिल्कुल, फिर ये और एक और पॉइंट आया, क्या ये अगले हायर आइसोथर्म पे आया, बिल्कुल, यानी पहले यहां से यहां तक टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, फिर आगे जाओ, ये तो अब ये पॉइंट तो इससे लोअर आइसोथर्म पे आया, अब ये पॉइंट तो इससे भी नीचे आइसोथर्म पे आया, ये पॉइंट तो इससे नीचे आइसोथर्म पे आया, इसका मतलब एक और सवाल भी बेटा यहां बन सकता है, जब आप जाओगे फ्रॉम ए टू सी या ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी टेम्परेचर, पहले ऐसे भी लिख सकता हूं, फ्रॉम ए टू बी फर्स्टली फर्स्टली टेम्परेचर इंक्रीजेस देन टेम्परेचर डिक्रीजेस, ये भी एक सवाल बन सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां पे आपको एग्जामिनर अगर बोले कभी कि टेम्परेचर केल्विन में नहीं, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लो, फिर बताओ वी टी ग्राफ कैसा आएगा। पहले बेटा आपका पता ही है चार्ज लाइफ प्रेशर कांस्टेंट है, वी टी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वी टी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहां पे टेम्परेचर क्या आएगा, 0 केल्विन या -270 डिग्री सेल्सियस। अगर यहां -270 डिग्री सेल्सियस है, यहां कहीं पर 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, आएगा बिल्कुल, तो इसका मतलब बेटा 0 डिग्री सेल्सियस यहां है, लेकिन ग्राफ उसके पीछे कहीं पे इस एक्सिस को टच करेगा, यानी अगर मैं ये वॉल्यूम एक्सिस लूं और ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एक्सिस लूं, क्या यहां टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस के थ्रू ग्राफ पास वन, नो, इट इज पासिंग थ्रू 0 केल्विन या -270 डिग्री सेल्सियस, वो तो इसके पीछे है, यानी ग्राफ ऐसे आएगा। सिमिलरली यहां पे भी आएगा, यहां पे बेटा ये आसान है, रो वर्सेस पी के बीच में ग्राफ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बिकॉज बॉयलर्स लॉ। बताओ बेटा आपको इक्वेशन पता है, पी इज इक्वल टू रो आर टी डिवाइडेड बाई मोलर मास, ये आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बताओ बेटा फिर क्या आएगा, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो या रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो यहां पे रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, चेक कर सकते हो आप, और यहां पे ये वाई आया, ये बेटा एक्स आया, और ये एम यानी स्लोप आया, यानी स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इस वाले का। यहां पर बेटा आप चेक करो, आपने यहां पर एक्स लिया है पी को, वाई लिया है इसको, यानी यहां पर स्लोप या एंगल मेजर करना है पी के साथ, जिसको आप एक्स से रिप्लेस करते हो, एंगल उसी के साथ मेजर करना होता है फॉर स्लोप, तो आप चेक करो, तो ये इस वाले ने एंगल ज्यादा बनाया, स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा तो टेम्परेचर कम, ये वाले का स्लोप कम बिकॉज एंगल कम, तो ये टेम्परेचर ज्यादा आएगा, यानी T2 इज ग्रेटर देन T1 आएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहां पे बेटा दिया गया है एन आइडियल गैस फॉलोज अ प्रोसेस पीटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आपको पी और वी के बीच में ग्राफ बोलना है, तो जब आप ग्राफ निकालते हो ना पी और वी के बीच में, तो पहले रिलेशन भी पी और वी के बीच में चाहिए, दिया गया पी और टी के बीच में, तो टी को हटाना है, टी के बल्ले वी लाना है, तो बताओ टी के बल्ले क्या आएगा, टी के बल्ले बेटा आएगा पी वी डिवाइडेड बाई म्यू आर, बिकॉज पी बाई म्यू आर इज इक्वल टू टी, और ये सारा जो है दैट इज कॉन्स्टेंट, ये म्यू आर भी कॉन्स्टेंट में आएगा, यानी पी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर वी इज अ कॉन्स्टेंट, यानी पी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, यानी आपको मैंने अभी भी बोला था जब ये इनवर्सली ऐसे रिलेशन आए, नीचे कुछ भी पावर आए लेकिन प्लस, तो ये ऐसे भी आएगा ना, पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v^2, तो ग्राफ रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला जैसा आएगा बिटवीन पी एंड वी, तो पी और वी के बीच में ये ऐसा ग्राफ, दिस इज द करेक्ट, ये वाला आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेरिएशन ऑफ पी वी ग्राफ विद वी ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द फिगर। PV of a fixed mass of ideal gas at constant PV versus V, आई थिंक मैंने ये पीछे भी ये सवाल आपको दिखाया था, कहां पे
टेम्परेचर कांस्टेंट है। चलो कर देता हूं जल्दी से, टेम्परेचर कांस्टेंट पीवी किसके बराबर बेटा, म्यू आर टी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट यानी पीवी तो कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा ही नहीं, आप कुछ भी बदल दो पीवी कांस्टेंट आएगा, ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे आएगा, तो ये वाला करेक्ट आएगा। चलिए यहां पे आपको अभी मैंने जबानी जबानी बोला, जब आप ऊपर जाओगे एक्सप्लेन भी किया, तो टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, तो ये मैंने आपको पहले ही समझाया था कैसे आएगा। ग्राफ ऑफ आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक बेटा क्या होता है, जिसमें क्या होता है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोमेट्रिक मतलब क्या होता है, वॉल्यूम जो है दैट इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, राइट, ये आपका गेलुसेक ला आएगा। तो बताओ बेटा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये वाला आएगा। चलिए एक और सवाल, इफ हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर इज कांस्टेंट, यानी चार्ल्स लॉ, सेलेक्ट द ग्राफ व्हिच बेस्ट रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ वी टी वर्सेस टेम्परेचर। पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, वी टी जो प्रेशर तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो वी टी मुझे वी टी वर्सेज टेम्परेचर। तो चलो अगर मैं दोनों साइड प्रेशर कांस्टेंट है यानी V इज प्रोपोर्शनल टू T, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय T, तो बोलो क्या आएगा बेटा, वी टी इज प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। तो आप चेक करो यहां पे ग्रैब जो है, ठीक है ना, ये आप वी टी, ये Y मान लो, Y तो वी टी है और X कौन सा है, T, तो ये आपका X है, यानी Y इज प्रोपोर्शनल टू X स्क्वायर। चेक कर लो, वी टी इज Y, x is t, तो ये y आया, ये x आया, y is proportional to x square, तो graph will be parabola, तो graph will be parabola like this, vt versus t, ये graph आएगा। चलिए ना बेटा concept of mixture, mixture जब आप करते हो ना चीजों को mixup करते हो ना, कुछ ऐसी quantities आती हैं जिनका सीधे सीधे add up हो जाता है, ठीक है ना, यहां पे मैंने वो लिखाया है, quantities which can be directly added, एग्जाम्पल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, मास हो, वॉल्यूम हो, हाँ वॉल्यूम में एक और कंडीशन भी है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज, यानी ये सीधे एडअप हो जाती है। एक्सटेंसिव क्या होती है, जो सीधे एडअप नहीं होंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी सीधे एडअप होंगे, ठीक है ना। यहां पे अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है बेटा ध्यान दीजिए, तो अगर मैं बोलूं यहां चेक कर लो, अगर मैं बोलूं कि मैंने 10 डिग्री सेल्सियस पानी लिया था और मैंने 50 डिग्री सेल्सियस के साथ मिक्स कर दिया, क्या टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस आएगा, फिर तो बेटा मुझे नहाने के लिए कभी पानी गर्म करना ही नहीं था, 10-10 डिग्री सेल्सियस वाला पानी मिलाता जाता 10 बार, 100 डिग्री सेल्सियस आ जाता, उबला हुआ पानी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब भी आप ऐसी एक्सटेंसिव क्वांटिटीज को एडअप करते हो, अगर एक लेट सपोज सैंपल का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, मिक्स किया दूसरे गैस के सैंपल के साथ उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर 10 और 50 के बीच में ही आता है, राइट, सीधे एडअप नहीं होता। सेम विद प्रेशर, ठीक है ना, सेम विद प्रेशर भी सीधे एडअप नहीं होता, क्लियर, यहां पे ध्यान दो। तो ये चीजें मैंने एग्जांपल दी यहां पे, अगर आइडियल गैस मिक्सचर के लिए लगाओगे, पी मिक्सचर, वी मिक्सचर इज इक्वल टू म्यू मिक्सचर आर टी मिक्सचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सीधे एडअप हो जाएंगे, इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज, मास भी सीधे एडअप होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी सीधे एडअप होगा, ठीक है ना, म्यू मिक्सचर ऐसे भी आप लिख सकते हो। हाँ, वॉल्यूम के लिए क्या कंडीशन है, अगर आपने कंटेनर नहीं बदला, यह दो कंडीशन हो सकती है, तो कंटेनर ज्वाइन किए, अगर आपने कंटेनर ज्वाइन किए तो V मिक्सचर किसके बराबर आएगा, सारे कंटेनर्स का मिला के वॉल्यूम, अगर आप कंटेनर ज्वाइन कर रहे हो। अब अगर आप गैसेस को मिक्स कर रहे हो, एक गैस का वॉल्यूम था 10 लीटर, दूसरे का वॉल्यूम 50 लीटर, दोनों को आपने किसमें डाला, 100 लीटर वेसल में, अब वॉल्यूम आएगा 100 लीटर जिसमें आप डालोगे, ठीक है ना, वी मिक्स इज इक्वल टू वी कंटेनर पुट, जिसमें डालोगे उसी कंटेनर का आएगा। नाउ यहां पे बेटा देखिए, दो टाइप्स की क्वांटिटीज में लूंगा, एक एक्स और एक वाई। एक्स वो क्वांटिटीज में ले रहा हूं विच कांट बी एडेड डायरेक्टली, जो क्वांटिटी टेक्निक दे रहा हूं, ट्रिक दे रहा हूं, को टेम्परेचर डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, ठीक है ना, मोलिकुलर वेट डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, प्रेशर डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, सीवी सीपी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये डायरेक्टली ऐड नहीं होंगी। एक और मैं सेट ले रहा हूं जिनका सीधे बेटा ऐड होगा, मास, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर दो क्वांटिटीज आ रही है, ऊपर एक्स में से एक वाई में से, यानी एक इंटेंसिटी क्वांटिटी हो और एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी हो, ट्रिक बोल रहा हूं,
अगर एक इंटेंसिटिव क्वांटिटी हो और एक्सटेंसिव और इंटेंसिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कांस्टेंट आए, यानी अगर कभी आए वाई एक्स इज ए कांस्टेंट, वायर वाई जो है बेटा वो आपको पता है दैट्स योर इंटेंसिटिव, एक्स जो है दैट इज एक्सटेंसिव विच कांट बी एडेड डायरेक्टली। अब एक्स मिक्सचर किसके बराबर आएगा, ठीक है ना, एक्स मिक्सचर बराबर आएगा वाई वन एक्स वन, एक उसका एक इसका, प्लस वाई टू एक्स टू डिवाइड बाय आएगा बेटा एक्स मिक्स। एक्स मिक्स या लिख सकते हो एक्स वन प्लस एक्स टू, ये टेक्निक आएगा, एक इंटेंसिव एक एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मिक्सचर आएगा वाई वन एक्स वन प्लस वाई टू एक्स टू डिवाइड बाय जो इंटेंसिव है उसी का मिक्सचर या सम, राइट, वही टेक्निक मैंने यहां पे लिखा है, इट्स मिक्स। नाउ एग्जांपल के तौर पे अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, पीवी इज अ कॉन्स्टेंट, तो इसमें बेटा क्या आएगा, वॉल्यूम इज इंटेंसिटी, प्रेशर इज एक्सटेंसिव, इन दो का मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट। तो बताओ फिर पी मिक्सचर कैसे लिखोगे, पी मिक्सचर, अरे वी मिक्सचर मत बोलना, पी मिक्सचर, वी मिक्सचर तो सीधे आएगा वी वन प्लस वी टू, बताओ पी मिक्सचर क्या आएगा, पी मिक्सचर आएगा पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू डिवाइड बाय आएगा, जुगाड़ देखो कैसा बोला यहां पे मैंने आपको, तो यहां पे वी मिक्स आएगा, वी मिक्स के बदले क्या आएगा, अगर सारे गैस को एक ही कंटेनर में डाला तो उस कंटेनर का वॉल्यूम आएगा, अगर कंटेनर ज्वाइन कर दिए तो सारे कंटेनर का वॉल्यूम मिला के आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नाउ प्रेशर मिक्स ये मैंने यहां पे लिख दिया, वी मिक्स किसके बराबर आएगा, इफ कंटेनर्स आर जॉइंड तो सारे कंटेनर्स को मिला के वॉल्यूम, वी मिक्स किसके बराबर, वी कंटेनर जिसमें आप डाल रहे हो। एक और चलो देखो, अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास बेटा कांस्टेंट है, मास किसके बराबर या नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, मास जो है मॉलिक्यूलर मास, अगर मास कांस्टेंट है क्या इन दो का मल्टीप्लाई बेटा कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, म्यू इज इंटेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट इज एक्सटेंसिव। तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट जो एक्सटेंसिव है इसका मिक्सचर किसके बराबर आएगा, यह आएगा एम डब्ल्यू वन म्यू वन प्लस एम डब्ल्यू टू म्यू टू डिवाइड बाय आएगा म्यू वन प्लस म्यू टू, सीधे ये आएगा फॉर्मूला यहां पे मैंने लिख दिया, वेयर म्यू मिक्स इज इक्वल टू म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री वट एवर। ओके एक और देखिए, आपको ये भी पता है, आगे ये भी आपको पता होगा या आपको आगे पढ़ना है, यू इज इक्वल टू एफ बाई टू म्यू आर टी, अगर इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो बताओ बेटा फिर क्या आएगा, एफ का म्यू का और टी का मल्टीप्लाई कांस्टेंट आएगा, एफ का म्यू का और टी का मल्टीप्लाई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। म्यू क्या है, म्यू म्यू इज इंटेंसिव तो ये तो क्या है एक्सटेंसिव को मैं एक ही मान लेता हूं, तो बताओ बेटा क्या आएगा, फिर आएगा आपका यू मिक्स, यहां पे सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे मैंने बोल दिया यू मिक्स, चेक करिए यू मिक्स इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू, यू मिक्स इसके बराबर एफ बाई टू म्यू आर टी सीवी, ये आपको पता होगा सीपी, अगर आपको नहीं पता है ये आपको आगे भी करना है, मैंने यहां पे लिखा है सीवी किसके बराबर होता है एफ बाई टू आर, और CP किसके बराबर होता है F प्लस टू बाई टू आर, एक टू एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, यू मस्ट बी नोइंग दिस, CV F बाई टू आर, CP इज F प्लस टू बाई टू आर, राइट। तो यहां पे बताओ बेटा म्यू एफ टी इज कॉन्स्टेंट, अगर इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो म्यू एफ टी इज कॉन्स्टेंट, तो बताओ टी मिक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू वन एफ वन प्लस वट म्यू वन एफ वन प्लस म्यू टू एफ टू, साथ में टी वन भी आएगा, म्यू वन एफ वन टी वन प्लस म्यू टू एफ टू टी टू डिवाइडेड बाई म्यू वन एफ वन प्लस म्यू टू एफ टू। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, फिर से देखो क्या है टेम्परेचर मिक्सचर का फॉर्मूला, देखो फिर से देखो क्या था, मैं यहां पे एड स्लाइड करूंगा, म्यू एफ टी इज अ कॉन्स्टेंट बिकॉज इंटरनल एनर्जी किसके बराबर बेटा, एफ बाई टू म्यू आर टी। नाउ टी मिक्स मुझे चाहिए, म्यू वन एफ वन टी वन प्लस म्यू टू एफ टू टी टू, दो ही में ले रहा हूं, डिवाइडेड बाय म्यू वन एफ वन प्लस म्यू टू एफ टू, ये चेक करिए यहां पे, राइट। तो अब अगर बेटा एटोमिसिटी सेम है, एफ इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यू मस्ट बी नोइंग दैट, अगर एटोमिसिटी सेम है तो ये एफ वन एफ टू बराबर, नीचे भी एफ वन एफ टू बराबर, ये कॉमन निकल के बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर मोलर क्वांटिटी भी बराबर है, रिमेंबर दिस, इफ एटोमिसिटी इज सेम, एक ही फॉर्मूला याद रखो आप, ये वाला टी मिक्सचर किसके बराबर, म्यू वन एफ वन टी वन प्लस म्यू टू एफ टू टी टू डिवाइड बाई म्यू वन एफ वन प्लस म्यू टू एफ टू, अगर एटोमिसिटी सेम आया तो एफ वन इज इक्वल टू एफ टू, एंड साथ में बोल रहा हूं बेटा मैं कि म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, अगर मोलर क्वांटिटी भी बराबर, मोल्स भी बराबर आपने लिए,
एटोमिसिटी भी सेम रखा तो फिर क्या आएगा, ये आप म्यू एफ जो है ये कट जाएंगे सारे, तो फिर आपको मिलेगा टी मिक्सचर, आप इजीली भी देख सकते हो। अच्छा ठीक है कर लो, इसके बदले भी डालो म्यू ही डालो, म्यू वन म्यू टू के बदले म्यू डालो और एफ वन एफ टू के बदले एफ डालो, तो यहां पे म्यू यहां पे एफ, 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 तो ये म्यू एफ कॉमन आएगा कटेगा, तो आपको बचेगा टी वन प्लस टी टू बाई टू, यानी अर्थमेटिक मीन आएगा टेम्परेचर मिक्सचर का। अर्थमेटिक मीन कब आएगा, अर्थमेटिक मीन तब आएगा जब गैसेस की एटोमिसिटी सेम, या सारे गैसेस मोनोएटॉमिक, या सारे गैसेस डायटॉमिक, या सारे गैसेस ट्रायटॉमिक, या तो बेटा उनका क्या आएगा एटोमिसिटी के साथ 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 क्या होना चाहिए, उनके मोल्स भी आपने सेम लेने होने चाहिए, तब जाके आपका जो मिक्सचर का टेम्परेचर आएगा वो सारे गैसेस के टेम्परेचर का अर्थमेटिक या सिंपल मीन आएगा। यही मैंने यहां पे लिखा है, इफ एटोमिसिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स आर सेम। अब यहां पे एक और सवाल आ रहा है, अ गैस मिक्सचर कंटेन्स 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम्स ऑफ हीलियम एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 300 केल्विन टेम्परेचर, कैलकुलेट डेंसिटी। देखो डेंसिटी, चलो पहले मैं टोटल मास, मास आप निकाल सकते हो इजिली, इंटेंसिटी प्रॉपर्टी इजी आप इजीली ऐड कर सकते हो, 28 ग्राम्स प्लस 4 ग्राम्स प्लस 8 ग्राम्स, ये कितना आएगा, ये आएगा 40 ग्राम्स आएगा टोटल मास। अब अगर मुझे वॉल्यूम मिक्सचर का मिल गया तो टोटल मास पर टोटल वॉल्यूम इज डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, तो टोटल वॉल्यूम निकालिए, कैसे निकालोगे आप, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो पी मिक्स वी मिक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, म्यू मिक्स आर और टी। पी दिया गया मिक्सचर का प्रेशर दिया गया 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 2 इंटू 10^5 अप्रोक्सीमेटली वी मिक्स। म्यू मिक्स के बदले क्या आएगा, अलग अलग सबके मोल्स को ऐड करिए, तो इसमें कितने मोल्स आएंगे नाइट्रोजन के, ठीक है ना बेटा, तो ये मास बाय मॉलिकुलर मास, इसका तो मॉलिकुलर मास 28 ही है, तो मास 28 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट, दैट्स 28। हाइड्रोजन का मास दिया गया 4, मॉलिक्यूलर वेट इसका है बेटा 2 ग्राम्स पर मोल। हीलियम का दिया गया 8 ग्राम्स, दैट इज 8, मॉलिक्यूलर वेट इसका 4 है, ठीक है ना, और आर आर इज 8.31 और टी दिया गया 300 केल्विन्स। तो निकालिए यहां से आप वी मिक्स निकालिए, वी मिक्स मिल गया तो रो मिक्स किसके बराबर आएगा, रो मिक्स आएगा एम मिक्स मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ये सॉल्व करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब एक और सवाल यहां पे दिया गया है, अच्छा सवाल है, ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 20 लीटर्स कंटेन्स नियॉन, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया, ऑर्गन का दिया गया, गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर इज, यानी मास ऑफ कौन कौन सा गैस दिया गया, मास ऑफ नियॉन एंड मास ऑफ आर्गन, इन दोनों का मिला के मास इस कंटेनर में दिया गया है, दैट इज मिक्सचर इज 25 ग्राम्स, दोनों का मिला के मास दिया गया है। अब एग्जामिनर पूछ रहा है बताओ इनका इंडिविजुअल मास कितना आएगा, ठीक है ना, तो यहां पे आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर दिया गया, प्रेशर दिया गया, ठीक है, ओके राइट, इक्वेशन ऑफ स्टेट PV is equal to mu RT. P के बदले बेटा क्या आएगा, P के बदले दिया गया आपको 1 एटमोस्फियर, दैट इज 10^5, V के बदले आपको दिया गया है दैट्स 20 लीटर्स इंटू 10^-3, म्यू दैट इज मास बाय मॉलिकुलर मास, मास मुझे नहीं पता, मास ऑफ नियॉन डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास का दिया गया है दैट इज 20 ग्राम्स, ग्राम्स को केजी में लाना 10^-3 केजीज, ठीक है ना, प्लस मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास किसका ऑर्गन का वो मुझे नहीं पता है अलग कितना है, मॉलिक्यूलर मास 40 × 10^-3, आर का वैल्यू बेटा कितना आएगा 8.3 और टेम्परेचर दिया गया है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन्स। एक और इक्वेशन भी आपको दिया गया है राइट,
एक और इक्वेशन दिया गया कि ये दो का मास मिला के इतना आ रहा है, तो मास ऑफ नियॉन के बल या मास ऑफ आर्गॉन के बदले में क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ आर्गॉन के बदले 25 माइनस मास ऑफ नियॉन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ आर्गॉन के बदले मास ऑफ नियॉन 25 माइनस मास ऑफ नियॉन। तो इस पूरी इक्वेशन में आपको मिल गया बेटा एक ही वेरिएबल द मास ऑफ नियॉन, सॉल्व करिए मास ऑफ नियॉन मिल जाएगा, फिर इसमें डालिए मास ऑफ आर्गॉन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व भी कर आप खुद सॉल्व करिए, अब ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इसमें वैल्यूज पुट करके यू विल गेट द आंसर। चलिए अब एग्जाम्पलर क्या बोल रहा है, 120 ml ऑफ गैस ए एट 0.8 एटमोस्फियर इज मिक्सड विद 50 ml ऑफ गैस बी। 120 ml ऑफ गैस ए यानी V1 दिया गया, P1 दिया गया, इज मिक्सड विद 50 ml ऑफ गैस V2 दिया गया, P2 भी दिया गया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कैलकुलेट मिक्सचर प्रेशर। तो सी मैंने अभी भी आपको बोला था बेटा क्या PV यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा, बिकॉज PV इज इक्वल टू BURT, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो PV का मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट, तो P मिक्सचर किसके बराबर आएगा, P मिक्सचर बराबर आएगा P1 V1 प्लस P2V2 डिवाइड बाई V मिक्सचर आएगा। अब V मिक्सचर P1 भी दिया गया, V1 भी दिया गया, P2 भी दिया गया, V2 भी दिया गया। पहला यहाँ पे बोल रहा है कंटेनर्स आर ज्वाइनड, तो अगर कंटेनर ज्वाइनड है तो V मिक्स के बदले पहले पार्ट में V मिक्स के बदले आएगा V1 प्लस V2। दूसरे पार्ट में क्या आएगा, बोथ आर पुट इन 2 लीटर कंटेनर, यानी V मिक्सचर आएगा V पुट यानी 2 लीटर आएगा। तो सिंपली P1 V1 का वैल्यू डालिए, पहले पार्ट में V मिक्स के बदले V1 प्लस V2 और दूसरे पार्ट में V मिक्स के बदले 2 लीटर, ठीक है ना। होप यू गॉट द आंसर। चलिए ये आपका पहला लेक्चर था, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर इंशाल्लाह हम इसमें दूसरा लेंगे, उसमें हम बाकी पार्ट जो इसमें बचता है इंटरनल एनर्जी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड डिफरेंट स्पीड्स, एस्केप वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी वगैरह वो डिस्कस करेंगे, एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर।